अरे रवि, वो तीनों ट्रैक्टर ठीक हो गए क्या? सर वो तो परसों से काम पर लग गए। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मालकिन को राइडिंग सिखलाने में इतना दिमाग न खपाओ कि कुछ याद ही ना रहे। और वो होटल ब्लू स्टार को जो 1000 चूजे भेजने थे, उनका क्या हुआ? वो आज सवेरे ही चले गए सर। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? टाउन जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी, रात के खाने पर इंतजार मत कर। अब क्या आज टाउन जाना जरूरी है? जरूरी नहीं होता तो जाता क्यों? ब्रिगेडियर माथुर के साथ ब्रिज खेलने का वादा है आज। मगर ब्रिज तो आप और किसी दिन भी खेल सकते हैं। ओ कम ऑन रेणुका, किसी नेगिंग वाइफ की तरह बातें मत करो। ओफो, मैं आपको रोक थोड़ी रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही थी कि ब्रिज खेलने के लिए आज की तारीख ठीक नहीं है। क्यों, क्या खराबी है आज की तारीख? मैं शुभ अशुभ की बकवास के चक्कर में नहीं पड़ता। मालकिन शुभ अशुभ की बात नहीं कर रही है सर, वो बकवास मत करो। देख लिया ना, इन्हें ब्रिगेडियर के साथ ब्रिज खेलने की डेट याद है, मगर ये याद नहीं कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। भैया भैया भैया। हाँ, क्या है? अच्छा तो आप याच पे बैठे और मैं हर जगह खो जाया। पर खोज क्यों रहे हो? मैं जानता था यही होगा। पता है क्या बज रहे हैं? दो। अरे दो तो रोज ही बजते हैं। और रोज आप नहाते भी हैं और खाना भी खाते हैं मिस्टर रवि यादव। अरे शाबाश, तू तो अंग्रेजी बोलने लगा। अरे जब तू बड़ा होगा ना तो इसी तरह खड़ा होगा कचहरी में काला कोट डांट के, और योनर योनर कह के सभी मुकदमे जीत जाएगा। अखबार में तेरी फोटो छपेगी। अरे वो सबसे अच्छे को क्या कहते हैं? बेस्ट। हाँ बेस्ट वकील। वो तो मैं बन जाऊंगा, मगर आप ये बताइए, दो यही बजा दिए तो अब नहाएंगे कब और खाएंगे कब? अरे नहाने में कितनी देर लगती है वकील साहब। ये गए कोठरी पर, ये लिया साबुन और तौलिया, ये लपके नदी की तरफ और ये लगाई डुबकी। ओ वकील साहब जरा पीठ पे साबुन लगा दो भैया, आ जाओ। मजा आ गया। अरे अरे क्या कर रहा है, गुदगुदी हो रही है। अबे कंधे के नीचे, पीठ पर, पीठ पर। हाँ हाँ अरे 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 ये हाथ कहाँ जा रहा है? देख मानेगा नहीं तो चड्डी निकालकर पानी में फेंक दूंगा। क्या बोला तू? चड्डी उतारेगा बदमाश। अरे अरे तू यहाँ क्या कर रही है और इधर हाथ कहाँ जा रहा था? दिखता नहीं है क्या? पीठ पर साबुन लगा रही हूँ। ये पीठ है, ये पीठ है, तू भाग यहाँ से नहीं तो मैं क्या कर लेगा तू? घाघरा पहना हुआ है, उतार के दिखा। अरे तू तो बड़ी बेशर्म होती जा रही है पार्वती। अब तुझसे क्या शर्म? अब भाग यहाँ से नहीं तो भिगो दूंगा। ए चलते तवे पर छींटा मत मार पागल, नहीं तो छुट्टी कर दूंगी। अरे तू क्या छुट्टी करेगी, डुबो दूंगा नदी में। असल में तेरा नाम गलत रखा गया है, मेरा नाम पार्वती है, तुझे शंकर होना चाहिए था। जी 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 जी, अपने छिछोरे मुंह से देवी देवताओं के नाम मत ले बेशरम। अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात, आखिर तुझे एक दिन मेरा पति तो होना ही है, पति और पत्नी में क्या शर्म? देख पार्वती मेरा कहा मान, तू बहुत अच्छी लड़की है, मेरे चक्कर में मत पड़। मेरी जिंदगी में रोहन के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं। तू रामदास है ना, उससे उसका नाम लिया, उस व्यक्ति से शादी करूंगी क्या? मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि रामदास देखा वाला है। देख देख रवि, उसका नाम मत ले, मगर वो कुत्ता आगे मेरी बहन को खा चुका है। मगर मैं उसकी बात फिर से निकाली तो तेरी छुट्टी कर दोगी। छुट्टी छुट्टी। Thank you.
मुझे बुलाया मालकिन? हाँ, कहना ये था कि आज बम्बई से मेरी एक पुरानी सहेली मुझसे मिलने आ रही है, यशोदा, यशोदा गुजराल। यह तो बहुत अच्छा हुआ मालकिन, कुछ दिनों के लिए घर में चहल पहल हो जाएगी। इतने दिनों बाद मैं तुझे याद आई ना। डार्लिंग मिसेस गुजराल लंबा सफर तय करके आई, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि नहा धोकर थोड़ी देर आराम कर लें? बॉम्बे में ये करती क्या है सिवाय आराम की? अच्छा? बड़ी शानदार हवेली है रेनू, ब्यूटीफुल। तो चल पहले मैं तुझे हवेली दिखा चलूंगा। मुझे तो माफी कीजिए, वैसे भी ये हवेली मुझे जबानी याद हो चुकी और फिर मुझे कुछ काम भी निपटा है। चले चलो। ये तो पूरा महल है। अरे रेनू, तुम तो बिल्कुल महारानियों की तरह रहती हो। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि महारानियां भी ऐसे ही रहा करती थी। वैसे वकील साहब क्यों नहीं आए? नहीं, वो तो जरा बिजी वकील है, मुलाकातें उनसे कम ही होती हैं। मुकदमों, मुवक्किलों, फाइलों और लॉ बुक्स की भीड़ में गुम हो गए हैं। और गुम न हो तो भी क्या करें, कहां जी लगाए। मैं माँ तो बन नहीं सकती, इसलिए उन्होंने अपने आप को वकालत में उलझा लिया है। दौलत और शोहरत ने औलाद की जगह ले ली और मैं अकेली रह गई। तेरी टुंपा कहाँ है? आती होगी, चल। भाई मैं तो गुम हो जाऊं इतने बड़े घर में, अगर तुम गुम हो जाओ इस घर में तो कैसे ढूंढोगे अपने आप को? रोज ही गुम होती हूँ और रोज ही ढूंढ निकालती हूँ अपने आप को। मालिका का, मालिका का, तुमने मेहमान लोगों को देखा? लोग कहाँ रोहन, खाली एक मेम साहब आई हैं। अकेली? हाँ। कोई लड़का लड़की नहीं? मैंने तो सुना उनकी कोई औलाद ही नहीं। हम कुछ फूल तोड़ ले मालिका का? जरूर जरूर। ओ बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? रोहन यादव। रोहन यादव, अरे भाई तुम तो कमाल के हो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम यादव भी हो गए। पता है मैं तुम्हारी जितनी थी ना तो सिर्फ यशु थी। यही रहते हो तुम? जी, मेरे भैया रवि यादव यही काम करते हैं। सारे घोड़े, सारे ट्रैक्टर, सारा फार्म वही देखते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें वही देखते हैं? यस मैडम। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? सब स्टैंडर्ड में, मालकिन की सैलरी आप ही है ना। अच्छा ये बताओ, शरारत करते हो या नहीं? बताओ बताओ। करता हूँ। मैं जानती थी कि तुम शरारत जरूर करते होगे, क्योंकि तुम तो बिल्कुल बाल गोपाल हो। बाल गोपाल? जी ना, बाल गोपाल तो मालिक काका का नाम है, मैं रोहन यादव हूँ, आपको बताया तो था। ओह सॉरी रोहन। अच्छा चलो अंदर चलो। अंदर? घर के नौकर लोग मुझे अंदर नहीं जाने देते, कहते हैं कि नौकरों के बच्चों का अंदर क्या काम। गधे हैं घर के नौकर, आओ मेरे साथ। आपके जाने के बाद सब डांटेंगे। कोई नहीं डांटेगा, मैं रेणुका से कह जाऊंगी कि मेरे रोहन यादव को कोई नहीं डांटे। क्या वो भी डांटती है? जी ना, मालकिन तो बहुत अच्छी है, तुम्पा भी बहुत अच्छी है, हम लोग खूब खेलते हैं। बस तो फिर क्या डर है, आओ मेरे साथ। आओ आओ बेटा, आओ आओ, मेरे बाल गोपाल से मिलिए मिस्टर सिंह। आंटी आपने बड़ा अच्छा किया के रोहन को लेके आई। आओ रोहन। अरे तुम्हारी पायल तो ग्रामोफोन से भी अच्छी बजती है टुम्पा। चलो ना रोहन। हाँ हाँ जाओ खेलो, जाओ। मालकिन तो बहुत अच्छी है और ये जो मेहमान आई है ये भी अच्छी है, मगर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मम्मी मेरी पायल खो गई। नौकरों के बच्चों के साथ खेलोगी तो और क्या होगा? रोहन चोर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे फेवरेट रवि यादव का भाई। पायल इसी लौंडे ने चुराई होगी। बोल इसकी पायल चुरा कर कहाँ रखी? लड़ी ये चोर नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है। तुम चुप रहो बेटी, बोल। मैंने कभी नहीं किया भैया। मिस्टर सिंह आप चुप रहिए। मिसेस गुजराल। मालिक, मालिक, बिटिया की पायल तो गुलाब के झाड़ में पड़ी मिली है, ये देखिए। जरूर इसी ने छुपाई होगी। मैंने कहा था ना रोहन चोर नहीं है। मैंने चोरी नहीं किया भैया, मैंने चोरी नहीं किया। अरे इसीलिए तो मना करता हूँ। हवेली के अंदर और हवेली के बाहर के फर्क को पहचान रोहन, हम दोनों हवेली के बाहर की चीज है। चल। आपको बच्चे को मारना नहीं चाहिए था। रो मत रोहन, रो कर अपने आंसू और अपने भाई का अपमान मत कर। उनके कहने से तू चोर हो तो नहीं गया ना? तू देख लेना, एक दिन मैं तुझे इतना बड़ा आदमी बनाऊंगा कि जिन लोगों ने आज तेरा अपमान किया है ना, वही लोग तुझे सलाम करने में अपना मान समझेंगे। मैं तो जा ही नहीं रहा था, मगर वो मालकिन की मेहमान मुझे अंदर ले गई। मैं जानता हूँ।
मालकिन की मेहमान कितनी अच्छी है ना, वो मुझे बाल गोपाल पुकारती है। बाल गोपाल तो तू है ही। उनका बम्बई हमारे जगदीशपुर से कितना बड़ा होगा ना। बहुत। मुझे वहाँ ले चलोगे ना भैया, वहाँ समुद्र भी है ना। हाँ। समुद्र कैसा होता है? मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मालकिन कहती है जहाँ तक देखो बस पानी पानी दिखाई देता है। मुझे ले चलो ना भैया। हाँ एक दिन जरूर लेके जाऊंगा। यशोदा जी आपने तो मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट कर दिया। मैं तो आपको प्राचीन जगदीश मंदिर दिखलाना चाहता था जिसकी वजह से ये नगरी जगदीशपुर कहलाती। मेरा तो खुद अभी जाने को जी नहीं कर रहा है भाई साहब, मगर आई अंडरस्टैंड। मगर जब गुजराल साहब की तबीयत ठीक हो जाए तो आप दोनों जरूर। जरूर, वो भी एक आध दिन या हफ्ते के लिए नहीं, एक आध महीने के लिए। प्रॉमिस। सामान रख दिया? जी मालकिन। निकलो। अच्छा अरे मेरा बाल गोपाल कहाँ है? भैया ये देखिए। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। नमस्ते। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि कल जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। ये तो हमेशा होता है मैम साहब, गरीब अमीर का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन आप शायद नहीं समझ सकती क्योंकि आपने तो गरीबी दूसरों के घरों में देखी होगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इसे गरीब नहीं रहने दूंगा। गरीब पर सबका हाथ उठ जाता है। मैं इसे पढ़ा लिखा कर वकील बनाऊंगा। वकील क्यों? क्योंकि कत्ल किसी और ने किया था और फांसी मेरे पिता को मिली थी, सिर्फ इसलिए कि उनके पास अच्छा वकील करने की ताकत नहीं थी। भगवान ने चाहा तो ये बाल गोपाल जरूर एक दिन बहुत बड़ा वकील बनेगा। मुझे भूल मत जाना, और अगर मैं ना आ पाऊँ तो मुझसे मिलने बम्बई जरूर आना। आओगे ना? जी। नमस्ते। नमस्ते। यशोदा के जाने के बाद फिर से अकेली हो गई ना। जब तक वो यहाँ नहीं आई थी तब तो मैंने अपने आप को समझा लिया था कि यही अकेलापन ही जिंदगी है, मगर उसकी आखिर चले जाने ने सब कुछ उथल पटल कर दिया। तुम इतने चुप क्यों हो? जी नहीं सुन रहा हूँ मालकिन। सुनते तो तुम पहले भी थे मगर इतने चुप नहीं लगते थे, क्या बात है? कोई बात नहीं। अरे बातों बातों में हम लोग कितने आगे निकल आए, चलो वापस चलते हैं। ये क्या बदतमीजी है? मैं आपका हरण करूंगा। मैं आपको किडनैप करूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? घबराइए नहीं मालकिन, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैंने आपका नमक खाया ना, जरूरत पड़ी तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। है क्या मालकिन कि मैं अपनी कमाई से रोहन के लिए कोई भविष्य नहीं खरीद सकता। मालिक के पास ढेर सारे रुपए हैं, मैं उनसे आपकी आजादी का दाम लेकर आपको छोड़ दूंगा और वो रुपए लेकर बंबई चला जाऊंगा। वहां रोहन को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा ताकि फिर से उसे कोई चोर ना कह सके। घर चलो, घर चलो। मालकिन। क्या बात है रवि? आज्ञा लेने आया हूँ मालकिन। काहे की आज्ञा? यहाँ से जाने की आज्ञा मालकिन। कहाँ जाओगे? पता नहीं। क्यों जाओगे? आप पर चाकू निकालने के बाद मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ मालकिन? पागल हो तुम तो। अरे रवि, जो मैं तुम्हारा दर्द ना समझती होती तो आती मालिक से तुम्हारी शिकायत ना करती, तुम्हें पुलिस के हवाले ना कर देती। जाओ जाके अपना काम करो, जाओ। जी। पागल कहीं का। बस कर अबे हट बे, कुछ भी तो देख लेते। चुप रहना। अबे चुप क्यों रहूं? 50 रुपए में ट्रेलर दिखा दिया, अगर पूरी फिल्म देखनी है तो और छिड़को। अबे हट ना। अरे चाची तो बचाओ! बचाओ! रवि! बेसरम को मार रवि! खत्म कर
जी हो तो वो ऐसा करते हो। खिड़की दरवाजे बंद करके नहाना सीख। सिखला दे। बेशर्म कहीं। रवि, आज मैंने तुम्हारे बारे में एक फैसला किया है। क्या फैसला किया मेरा? कल से मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगी। मैं पढ़ के क्या करूंगा? पढ़ाई हमेशा काम आती है पागल आदमी। थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो बम्बई जाकर अच्छा काम कर सकोगे, अच्छी तनख्वाह मिलेगी और रोहन की जिंदगी भी बना सकोगे। रोहन के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ। आप कल ही से मुझे पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तुम सचमुच पागल हो। फिर भूलोगे? नहीं नहीं, फिर नहीं भूलूंगा। अच्छा, फिर से सुनाओ। BAT बैट, बैट माने बैट। CAT कैट, कैट माने बिल्ली। राइट। RAT रैट, रैट माने चूहा। दैट्स राइट। क्या हो रहा है ये? अरे मैं रवि को पढ़ा रही थी, मगर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों, मेरा आना बुरा लगा? बात करना सीखिए सिंह साहब। तुम जाओ यहाँ से। जी। मेरे घर में ये सब नहीं होगा। क्या सब नहीं होगा? क्या हो रहा था यहाँ? शट अप। चिल्लाइए मत। मैं तो आपको एक सरप्राइज देना चाहती थी। सोच रही थी रवि को इंग्लिश बोलते सुनकर आप खुश हो जाएंगे। मैं भी दिन भर अकेली पड़ी पड़ी करूँ भी तो क्या, वो पढ़ लिख जाएगा तो उसे कोई अच्छा काम मिल जाएगा, उसकी कमाई बढ़ जाएगी और वो रोहन को एक सलीके की जिंदगी दे पाएगा। नौकरों को अपने इतने पास आ जाने देना कोई अच्छी बात नहीं है रवि। इन छोटी बस्तियों में रहने वालों की जबानें बहुत बड़ी होती हैं। आपकी जबान भी कोई छोटी नहीं है। नमस्ते मालकिन। रवि, क्या तुम कभी अपने आप से बातें करते हो? दिन में ख्वाब देखने का क्या फायदा मालकिन, लेकिन बात क्या है? जिंदगी में बहुत जहर फैल गया है रवि, अब तो सांस भी लेना मुश्किल हो गया है। अपने घोड़े से कहो मुझे किसी ऐसे ख्वाबों की बस्ती में ले चले जहां मुझे चैन मिले, प्यार मिले। मेरे घोड़े चल चल चल, चल मेरे घोड़े चल चल चल, दुनिया में चैन कहाँ यार, वही रुक जाना यार, वही रुक जाना, मिले तुझे प्यार जहाँ, चल मेरे घोड़े चल चल चल। Amen.
जाने आजकल मनोहर सिंह को क्या हो गया है, बिल्कुल अंधा हो गया है। सारे शहर को मालूम है कि रवि का इसकी बीवी के साथ क्या चक्कर है। करता है ना मुझसे, मेरी तरफ देख, मैं पहनी हूँ घाघर चोली गाँव की गोरी। तुम? हाँ मैं। अरे मैं तुझे मेले में ले जाऊंगा, पर उससे पहले मैं तेरी जवानी का मेला देखूंगा। मेरे पास नहीं आना, वरना तेरी छुट्टी कर दूंगी। अच्छा, मैं सिर्फ रवि की हूँ। रवि, रवि! कहना है कि तुमने खुद मुलजिम रवि यादव को पार्वती देवी के साथ बलात्कार करते हुए देखा। जी सरकार, वो बेचारी गिड़गड़ाती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन ये मुलजिम उसकी एक नहीं सुना। अरे सरकार, हमसे तो ये जुल्म देखा नहीं गया, हमने अपनी आंख बंद कर ली और जब आंख खोल के देखा तो ये अपना काम खत्म करके जा चुका था। नहीं जसर, ये सारा सर झूठ बोल रहा है। और पार्वती देवी वहां मरी पड़ी थी। तुमने पार्वती देवी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे साहब, आप इसको नहीं जानते, अगर हम उसे बचाने की कोशिश करते तो उसकी लाश के बगल में आप हमारी लाश भी पाते। योर विटनेस, नो क्वेश्चंस। आप मुलजिम के बचाव के वकील हैं और आप गवाह से कोई सवाल नहीं करना चाहते जिसका बयान मुलजिम को फांसी के तख्ते तक ले जा सकता है। मुलजिम को
अपने वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए योर ऑनर। इस मुलजिम ने मुझसे कहा था कि इसने बलात्कार नहीं किया, मगर अब ये मौजिस गवाह ये बयान दे रहा है कि इसने खुद अपने आंखों से बलात्कार होते हुए देखा। तो इस गवाह से मैं क्या सवाल करूं? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं योर ऑनर, इस चश्मदीद गवाह का बयान बलात्कार तो साबित कर सकता है मगर कत्ल साबित नहीं करता, क्योंकि जिस वक्त इसने आंख खोली तो मुलजिम जा चुका था और लाश पड़ी हुई थी। हो सकता है योर ऑनर मुलजिम ने उसे जिंदा छोड़ा हो, हो सकता है किसी और ने पार्वती देवी का कत्ल किया हो, इसलिए अदालत ने अगर इसे फांसी की सजा दी तो वो सरासर अन्याय हो जाएगा योर ऑनर। दैट्स ऑल। ये अपने कैसा वकील खड़ा किया रवि के लिए जो खुद अपनी क्लाइंट के खिलाफ बोल रहा है? ऐसी बातें अदालत में नहीं की जाती। अगर वो तो घर चलकर बात कर लेगा। सरकार कत्ल का जुर्म पूरी तरह साबित नहीं कर पाई, इसलिए यह अदालत इसे कत्ल की पूरी सजा नहीं दे सकती, लिहाजा यह अदालत इसे 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। मालकिन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो गया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ही तुम्हारी दोषी हूँ। यह आप क्या कह रही हैं मालकिन? हाँ, मैंने तुम्हारे मालिक से 1000 बार कहा कि रवि निर्दोष है, कोई अच्छा सा वकील करो, मगर वो ये दोष निर्दोष का चक्कर ही नहीं है मालकिन, तो वकील क्या कर लेता, ये तो नसीब का चक्कर है मालकिन। आप भी बेबस हो गई और मालिक भी। आप तो चाहती थी कि मैं पढ़ लिखकर अच्छा आदमी बनूं, मगर नहीं, बनता भी कैसे? ये जेल जो लिखी थी नसीब में, ये धारीदार कपड़े जो लिखे थे, पर अब बिल्कुल चिंता मत करना मालकिन, ये सजा तो मैं काट ही लूंगा। मुझे चिंता है तो सिर्फ रोहन की, वो वहां बिल्कुल अकेला रह गया ना मालकिन। अकेला क्यों हो गया होगा? मैं नहीं हूं क्या? मैं उसकी देखभाल करूंगी, उसका भविष्य मेरे पास तुम्हारी अमानत है रवि, तुम इसकी बिल्कुल चिंता ना करो। अगली बार जब मैं तुमसे मिलने आऊंगी तो उसका पक्का बंदोबस्त करके आऊंगी। अगर ऐसा हो गया ना मालकिन, तो मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि आज तक मैंने जिंदगी से अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, जो कुछ मांगा रोहन के लिए मांगा, और जो कुछ मांगूंगा रोहन के लिए मांगूंगा। नमस्ते। नमस्ते। आओ बेटा रोहन, क्या देख रहे थे? ये घर तुम्हारा है। भैया कहाँ है? भैया भैया भी आते होंगे। अच्छा मालकिन, मैं चलता हूँ, 3 बजे की गाड़ी से मुझे जगदीशपुर जाना है। नमस्ते। नमस्ते। चलो। आखिर मानी नहीं तुम यशोदा, ले यहीं से। अब ये हमारा बेटा है। व्हाट इज योर नेम बेटा? माय नेम इज वासु गुजराल। एंड व्हाट इज योर मदर्स नेम? हर नेम इज यशोदा। यशोदा गुजराल। हाँ। अब अपने डैडी का नाम बताओ और उनके चरण छुओ। मेरे डैडी का नाम सूर्यकांत गुजराल है। पांव छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यशोदा, तुम शौक से इसकी माँ बन सकती हो, मगर मैं इसका बाप नहीं बनूंगा। मैं किसी मुजरिम कातिल के भाई को गोद नहीं ले सकता। दैट इज फाइनल। अब ये तुम्हारी माँ भी है और बाप भी, 2 in 1। तुम इन्हें माता श्री कहो, माता जी कहो, अम्मा कहो, मम्मी कहो, कुछ भी कहो, मुझे तुम डैडी नहीं कहोगे। क्या नहीं कहोगे? डैडी। डैडी। डरो मत बेटा। क्या मैं उन्हें डैडी नहीं कह सकता? अरे ये तो उनका दुर्भाग्य हुआ ना कि तुम जैसा बेटा उन्हें डैडी नहीं कहेगा। तो फिर मैं क्या कहूँ? तुम उनका नाम जानते हो, सूर्यकांत गुजराल, तो तुम उन्हें मिस्टर गुजराल कहा करो। तुम समझ ही नहीं सकती रेणुका कि मेरी जिंदगी में वासु की क्या जगह है। धूप का टुकड़ा भी वही और छाव का टुकड़ा भी। उसके आने के बाद मेरा अकेलापन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें यह भी नहीं समझा सकती कि अपने बाल गोपाल को मैं कितना चाहती हूँ। बस ये समझ लो कि मैं ही उसकी देवकी हूँ और मैं ही यशोदा। मैं इस बाल गोपाल के लिए तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। बहुत बहुत प्यार के साथ तुम्हारी यशोदा।
रवि, ये जानकर तुम कितने खुश होगे कि रोहन अपनी जिंदगी की कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जो जिम्मेदारी तुमने मुझे सौंपी थी उसे पूरा होते देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वचन पूरा हो गया हो। भगवान, आज वासु का रिजल्ट निकलने वाला है, उसको कामयाबी दो। जेवर निकालो। अगर मेरे वासु को पता चल गया ना। वासु क्या कुरुक्षेत्र, अर्जुन को गीता का उपदेश देने। कुरुक्षेत्र से तो मैं वापस आ गया हूं और मेरे होते हुए मेरी मां को कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या शरारत की है जो मेरे पांव छू रहा है? माँ, मैंने इम्तिहान पास कर लिया है, अब मैं भी वकील बन गया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आज तूने मेरे ख्वाबों को सच्चा कर दिखाया। सुना तुमने? वकील साहब, आज तो मैं आपको पिताजी कह सकता हूँ ना? गलती से पास हो गया होगा। पूछो इससे कि कॉलेज में रैंक क्या था इसका। नौ। तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। नो, ये पूछो कि स्टूडेंट्स कितने थे। नो, मतलब ये कि आखिरी नंबर। Yes. रैंक नौ हुआ तो क्या हुआ, पास तो हुआ है। तुमने भी अपनी गाड़ी का नंबर नौ लिया है, टेलीफोन का नंबर नौ चुना है, बंगला खरीदा है वो भी नौ नंबर का। मुझे ये नौ नंबर बहुत पसंद है क्योंकि ये शुभ नंबर है। शुभ नंबर है मगर मेरे लिए, इसके लिए नहीं। तो क्या तुम्हें इसका वकील बनना अच्छा नहीं लगा? अरे भाई, वकालत तो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का कानूनी लाइसेंस है। तो चलो, इस दुनिया के झूठों में एक झूठे का इजाफा और हो गया, वकील तो ये बन सकता है मगर हम जैसा सच्चा खरा और कामयाब वकील कभी नहीं बन सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जब तुम्हें इसे घर लाई थी और आज भी कह रहा हूँ कि पीतल पर सोने का पानी चढ़ाने से पीतल सोना नहीं बन जाता। तो इसका मतलब है इतने साल गुजर जाने के बाद भी तुम इसे बेटा स्वीकार नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। यशोदा जी ने कृष्ण जी को गोद लिया था तो ये अपने आप को वासुदेव समझ बैठा है। अगर ये वासुदेव है तो मैं भी भीष्म हूँ और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता हूँ कि मुझे मेरे निश्चय से कोई बदल नहीं सकता। तो आप भी मेरा निश्चय सुन लीजिए वकील साहब, एक दिन आएगा और जरूर आएगा जिसमें आप मुझे बेटा कहकर बुलाएंगे और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे शुभ दिन होगा। वकील साहब, आपने कहा कि पीतल सोना नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, ये सच है, मगर एक पौधा बड़ा दरख्त तो बन सकता है जिसे यशोदा माँ के प्यार ने सींचा हो। वकील साहब, मैं तो एक अनाथ था जिसे आपने आसरा दिया। आसरा तो कई देते हैं लेकिन आपकी कड़वी बातें मेरा हौसला बढ़ाती गई। मैं आपका आभारी हूं और हमेशा रहूंगा। आप खुशी के समय भी कड़वी कड़वी बातें करने से बाज नहीं आते? अरे, उसकी छोटी सी कामयाबी भी तुम इतनी खुश दिख रही हो और मेरी किसी भी कामयाबी भी तुमने इतनी खुशी नहीं दिखाई। हाँ, औरत को बेटे की कामयाबी पति की कामयाबी से हमेशा बड़ी लगती है। हेलो वासु, क्या कर रहे हो यार? कुछ नहीं यार, मिस्टर गुजराल को मेरा पास होना अच्छा नहीं लगा। अगर माँ नहीं होती ना तो ये घर कब का छोड़ चुका होता। अरे भूल जाओ मिस्टर गुजराल को, जल्दी से तैयार हो जाओ, पार्टी में जाना है। किसकी पार्टी? अपने अशोक की। बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ आएंगी, फ्लर्ट करेंगे। हैं? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा तूने फोन किया यार, मैं बहुत बोर हो रहा था। ओके
बाय बाय। वहाँ तो बहुत ही मजा आया। हेलो, बहुत देर कर दी। माय गॉड वासु, ये लड़की तो ब्यूटी की पूरी स्पेलिंग है। ये है मेरी डांस टीचर जूरी। हाय, हाउ आर यू? फाइन, आइए। नाइस पार्टी। या क्वाइट गुड। अशोक की पार्टी हमेशा ऐसी होती है। इनसे मिलिए, ये पायल है। हाय, ये है जूडी मार्टिन, मेरी फ्रेंड और डांस टीचर। और हाय वासुदेव गुजरा, पता नहीं तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी हुई या नहीं, मगर मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। वो क्यों? क्योंकि तुम इस दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मगर पहली सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कौन है? मेरी माँ। चलो देखो देखो तुम हो गया मैं हूँ, देखो देखो तुम हो गया मैं गुम, कितनी हंसी रात है तेरे कुर्बान, तू है मेरी जान, तेरे कुर्बान, तू है मेरी जान, अरे तेरी क्या बात है, देखो देखो तुम हो गया मैं गुम, कितनी हंसी रात है तेरे कुर्बान, तू है मेरी जान, तेरे कुर्बान, तू है मेरी जान, अरे तेरी क्या बात है, देखो देखो तुम हो गया मैं गुम। जो शराब है मुझे थोड़ी थोड़ी करके पिला, मेरे रूह में ये जो प्यार है इसे हौले हौले आके जगा, मेरे हाथ में जरा हाथ दे और धीरे धीरे मुझको बता, मैंने छू लिया तेरे हाथ को, तुझे कुछ कुछ होने लगा क्या, तेरे कुर्बान क्या बात है, देखो देखो तुम हो गई मैं गुम, कितनी हंसी रात है तेरे कुर्बान, तू है मेरी जान, तेरे कुर्बान, तू है मेरी जान, अरे तेरी क्या बात है, देखो देखो तुम हो गई मैं गुम। जो अदासी है मुझे चोरी चोरी लूट गई, मैं मचल गया तुझे देख के, कोई नई नई बात हुई, क्या बात है, देखो देखो तुम हो गई मैं गुम, कितनी हंसी रात है तेरे कुर्बान, तू है मेरी जान, तेरे कुर्बान, तू है मेरी जान, अरे तेरी क्या बात है, देखो देखो तुम हो गया मैं गुम। कमाल कर दिया पायल। भाई साहब जरा संभल के चलिए। अरे मैं तो देखकर ही चल रहा। ये क्या बदतमीजी है यार।
गुजराल, मैं अशोक बोल रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाइए, पासुनी पार्टी का सत्यानाश कर रखा है। मिस्टर गुजराल, मैंने तो कुछ नहीं किया है, शुरू इन्होंने किया था लेकिन खत्म मैंने किया है। क्या क्या किया है आपके बाल गोपाल ने, ये पूछे मुझसे? तुम तो हमेशा उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहते हो। पार्टी का सत्यानाश कर दिया उसने, और बर्तन तोड़ने में तो दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन। क्या शटाशट प्लेटें फेंकी हैं। होटल का बिल कम से कम 15 या 20 हजार का होगा। जी नहीं मिस्टर गुजराल, 8,624 रुपए 80 पैसे का बिल था, वो मैंने एक दोस्त से उधार लेकर अदा कर दिया। थैंक यू वेरी मच। मगर वासु, माँ बर्दाश्त की बेखाद होती है। मैं जान सकता हूँ कि आप क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। सॉरी मिस्टर गुजराल, मगर इस वक्त मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। देखा आपने, सुना वासु, मुझे यकीन है जो कुछ भी तुमने किया वो मजबूर होकर ही किया होगा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच, मगर अब मैं मिस्टर गुजराल के साथ नहीं रह सकता। पागल मत बनो। अरे इनकी बातों का बुरा क्या मानना, इन्हें तो काट खाने का शौक है। नहीं माँ, अब मैं आपकी जिंदगी में इल्जाम बनकर जीना नहीं चाहता। अब आप मुझे अपने पांव पर खड़े होने की इजाजत दे दीजिए। मिसेस गुजराल, ये जो मांग रहा है दे दीजिए ना इसे। ये अपने पांव पर खड़ा होना चाहता तो खड़ा होने दीजिए। कैसी बातें करते हो तुम। माँ मिस्टर गुजराल ठीक कह रहे हैं। क्या तुम मुझे छोड़कर चला जाएगा? तुम ये कैसी बातें कर रही हो माँ, मैं तो तुम्हारी ममता की परछाई हूँ, तुमसे अलग तो मेरा कोई वजूद ही नहीं। तुम मुझे जब भी पुकारोगी अपने पास पाओगी। मैं समझ गया। क्या समझे? यही कि उस काले कोट की हर जेब खाली है। But don't you worry my boy, असल चीज है जेब, you know, pocket. Pocket है तो भरेगा भी। मैं किसी की जेब में नहीं रहना चाहता प्रशांत। कभी कोटा की तमाशा देख। It's disgusting यार। 4 महीने हो गए अभी तक केस नहीं मिला। लगता है आज लंच नहीं खाया। मेरी जेब में हाथ डालो और 20-20 के दो नोट हैं, उसमें से एक उठा लो और जाकर छोले भटूरे खाओ। फिर बात करेंगे। छोड़ यार, महीनों से तेरी जेब में हाथ डाल के जी रहा हूँ। माय डियर वासुदेव गुजराल, भगवान या दर्जी तो जेब बनाता ही इसलिए है कि दोस्त उसमें हाथ डाल सके। है? चलता हूँ। जिस तरह से आज तुमने लंच नहीं खाया उसी तरह आज मैं डिनर नहीं खाऊंगा। एक कॉफी और हो जाए, क्योंकि वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र नहीं अभी तक खत्म नहीं हुई। कॉफी दो। थैंक यू। बस तुमने मेरी कहानी तो पूरी सुन ली है, अब मैं तुम्हें एक अदद फुटनोट सुनाता हूँ। फुटनोट यह है कि आम आदमी के खून की तरह मेरा खून भी लाल ही है, ब्लू नहीं। डोंट टॉक रबिश। मैं तो खानदान वानदान और बैकग्राउंड के चक्कर में पड़ती ही नहीं। असल चीज तो आदमी है, द इंडिविजुअल। मैं गंगा जमुना बैकग्राउंड वाले बहुत से लिटरों को जानती हूँ। उनके ब्लू ब्लड से इतनी बदबू आती है कि तुम मिनट भर उनके पास ठहर नहीं सकते। यानी यह चांस, यानी यू हैव मोर देन अ चांस, यू आर अ फाइटर यार। और मैं अभी अपनी स्टेटमेंट पर एक किस किसी लगाने को भी तैयार हूँ। किस को तो अभी टाली जाओ, क्योंकि मुझे अभी एक किस से ज्यादा एक केस की जरूरत है। केस? तुम मेरे किस पर एक केस को प्रेफरेंस दोगे? वो किस तो मेरा हो ही चुका है, राइट?
मगर अभी मैंने उस किस पर अपना हक कहाँ साबित किया है? ये तो साबित कर लेने दो कि मैं एक फाइटर हूँ, और ये साबित करने के लिए मुझे एक ऐसा केस चाहिए जो मेरी वकालत को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। पैरों पर खड़ा कर सके? I've got it. Got it? Got what? I mean pair. एक केस. Case of the missing feet. Hi everybody. Grandpa. ये है मेरे दोस्त वासुदेव गुजराल। नमस्ते। ये बोल नहीं सकते, और ये है मम्मी। ये देख नहीं सकती, और ये है। इन्हें तो मैं पहचानता हूँ। ये है तुम्हारी डांस टीचर जूडी। हाय जूडी। याद है पहली बार जूडी ने कहा था दैट वी आर मेड फॉर ईच अदर, और जूडी जैसे ही तुमने कहा था मैं तर से मान गया। सो जूडी, हाउज लाइफ? हाउज योर डांसिंग लाइफ? लाइफ? डांसिंग लाइफ? सॉरी जूडी, मगर मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। जूडी की जिंदगी से डांस निकल चुका है वासु। मगर ये हुआ कैसे? एक ड्रंक ट्रक ड्राइवर इसे कुचलता हुआ निकल गया। ये 4 घंटे तक वहाँ पड़ी रही, फिर कहीं पुलिस आई और इसे अस्पताल ले गई। जब इसे होश आया तो इसकी टांगे काटी जा चुकी थी। इन्होंने तो पुलिस को ट्रक का नंबर भी बताया, मगर पुलिस दूसरे जरूरी काम में उलझी हुई थी। मैंने भी जिद पकड़ ली कि ये केस यही नहीं खत्म होगा, और अल्टीमेटली पुलिस को ये केस कोर्ट तक ले जाना पड़ा। मगर सामने वाले बहुत पैसे वाले थे, जज पर दबाव पड़ा और जज ने जूडी की कटी हुई टांगों का कॉम्पेंसेशन 20,000 ठहराया। अगर ये कॉम्पेंसेशन ठीक है तो कोई बात नहीं, ठीक नहीं है तो फिर लड़ो ये केस। लड़ोगे? हाँ लड़ूंगा, और जीतूंगा भी। जूडी, इस एक्सीडेंट का कोई गवाह है? हाँ वासु, हाँ 2 गवाह है, एक वैश्या और एक उसका ग्राहक। वो बिचारी गाड़ी से उतर कर आई भी, और उसका ग्राहक पुलिस लेने गया, मगर वो आया ही नहीं। उसके बाद वो बिचारी वैशा ने पुलिस को खुद इन्फॉर्म किया। तो क्या वो गवाही देने आई थी? क्या बात करते हो वासु, जो लोग जज पर दबाव डाल सकते हैं वो भला एक सड़क छाप वैशा को गवाही देने देंगे? नहीं नहीं, फिर जूडी के वकील को गवाही लेना नहीं आएगा। जूडी, FIR किस पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई थी? नागपाड़ा पुलिस स्टेशन। नागपाड़ा? उस वैश्य का पता तो मैं आपको बतला दूंगा मिस्टर गुजराल, मगर मेरी मानिए तो आप इस केस में हाथ मत डालिए। क्यों? क्योंकि रत्ना भाई को आप नहीं जानते, उसकी ताकत और उसकी पहुंच को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रत्ना भाई जो कुछ भी हो, कानून से बड़ी तो नहीं होगी इंस्पेक्टर सामन, पता नहीं। खैर, उनका कद नाप कर आपको बता दूंगा, फिलहाल आप मुझे उनका पता बताइए। देखो साहब, वो हरामी असली पुलिस वाला अफसर है, बीवी बच्चे वाला भी है। वो साला ट्रक ड्राइवर को पहचान लिया था। अच्छा? अपना इज्जत बचाने को भाग गया था से, घरवाली को कैसे बोलता? मेरे साथ उस टाइम क्या कर रहा था? ये इज्जत भी बड़ी लफड़े वाली चीज है से। उसका नाम क्या है और रहता कहाँ है? यरवड़ा जेल में ड्यूटी कर रहा है। नाम धनीराम है, 5 लाख खर्चता इसने। गुजराल, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। हाँ तो कहिए मिस्टर गुजराल, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक केस के सिलसिले में आपको थोड़ा सा कष्ट देना था। मुझे? जी हाँ, क्योंकि आप चश्मदीद गवाह हैं। मैं बॉम्बे के किसी केस में चश्मदीद गवाह हूँ? That's right. चश्मदीद गवाह होने का मतलब ये कि केस क्रिमिनल है। That's right. क्या केस है? पहले आप मुझे ये बताइए कि आप चंपा नाम की किसी सड़क छाप लड़की को जानते हैं? It's none of your business, Mr. Gujral. That's right, Mr. Vinayak. मगर इन दैट केस मुझे आपको समन करना पड़ेगा, और वो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ ही दिनों में आप रिटायर होने वाले हैं और आपका सर्विस रिकॉर्ड बेदाग है। मिस्टर विनायक, मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ, मुझे आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो भी ऑफ द रिकॉर्ड, वरना खामखा आपकी घरेलू जिंदगी गड़बड़ जाएगी। थैंक यू। मिस्टर विनायक, कुछ दिनों पहले आपने ग्रांट रोड पर एक कार एक्सीडेंट देखा था। ग्रांट रोड पर? याद कीजिए, चंपा भी आपके साथ थी। गलती उस घायल होने वाली औरत की थी क्या उस ड्राइवर की? ड्राइवर की। आई श्योर? 100%। कानून मुर्दा लफ्जों का ढेर नहीं योर ऑनर। कानून आंखों पे पट्टी बांधे, हाथ में तराजू लिए खड़ी कोई मूर्ति भी नहीं है। कानून समाज की जीवन प्रणाली है, समाज की शय रग है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ योर ऑनर, क्योंकि इस केस में कानून ने अन्याय ही नहीं बल्कि अपना अपमान भी किया है। मिस्टर गुजराल, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सीमा रेखा तक आ चुके हैं। सच कभी अदालत की तोहही नहीं कर सकते योर ऑनर, लेकिन आप पहले पूरा सच सुन लें। आपने उस लड़की की हालत नहीं देखी जिसकी फरियाद लेकर मैं आपके पास आया हूं।
वो एक डांसर थी, डांसिंग उसकी जिंदगी थी और उसकी रोजी भी। उसके घुंघरू उसके खानदान का पेट पालते थे, उसके घुंघरू उसके छोटे भाई बहन की स्कूल की फीस देते थे, अंधी मां की दवाई का दाम देते थे, घर का किराया देते थे, बिजली का बिल देते थे। लेकिन योर ऑनर, घुंघरू पहनने के लिए तो पैरों की जरूरत होती है जो अब जूडी के पास नहीं है। इसलिए मैं अदालत को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस एक्सीडेंट में जूडी की टांगे नहीं कटी थी, उस एक्सीडेंट में जूडी की खानदान की जिंदगी कट गई थी। एक खानदान की जिंदगी का मुआवजा सिर्फ 20,000, सिर्फ 20,000 योर ऑनर। बट मिस्टर गुजराल, योर ऑनर, मैं यहां मुआवजा मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां इंसाफ की तलाश में आया हूं, क्योंकि इंसाफ ही उस औरत के जख्मों का मलहम बन सकता है। मगर कानून सिर्फ कटी हुई टांगों का मुआवजा दे सकता है मिस्टर गुजराल। मैं मानता हूं योर ऑनर, मगर पहले उस पैर की कीमत तय करनी पड़ेगी। एक डांसर की पैर की कीमत क्या हो सकती है योर ऑनर? एक डांसर की पैर की कीमत तो कोई बिरजू महाराज ही तय कर सकते हैं। मैं समझता हूं मिस्टर गुजराल, आई अंडरस्टैंड। नो योर ऑनर, यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। अब तक इस अदालत ने मिस जूडी को देखा ही नहीं, इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह अदालत एक कमीशन बनकर मिस जूडी के घर चले और देखे कि उस घर में मिस जूडी के कटे हुए पैरों का क्या मतलब है, और उन कटे हुए पैरों का मतलब समझ लेने के बाद यह अदालत मिस जूडी के लिए कोई मुनासिब मुआवजा तय करे। That's all, Your Honor. ये तुमने क्या किया मामा? दवा तो बह गई। इसमें तो अभी 2 दिन की दवा थी बेटी। अरे मैं कहती हूँ छोड़ मेरी आंखों को, मैं तो इस दर्द से मरती भी नहीं कि मेरे बरियल का खर्चा कहाँ से आएगा। 7 रुपए 80 पैसा फेंकने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो अंधी ही ठीक हूँ। यस मामा, तुम अंधी ठीक हो, मैं लंगड़ी ठीक हूँ, और ग्रैंडपा ग्रैंडपा घूम के ठीक है, मगर टोनी जॉनी और लीजा के लिए क्या ठीक रहेगा? वैसे स्कूल से इन तीनों का नाम कर चुका है, खैर टोनी और जॉनी खिस्सा विस्सा काट के जी लेंगे, मगर लीजा, लीजा क्या करेगी मामा, क्या करेगी? अब अंदर चलें यार उन्हें। भाई गॉड, मिस्टर गुजराल, ये जिंदगी तो कोई 10 मिनट भी नहीं जी सकता। यू रॉन्ग योर ऑनर, ये जिंदगी तो ये लोग जिंदगी भर जिएंगे। चलिए। एंड यू? मैं बाद में आऊंगा। एक्सक्यूज मी जज साहब, आप प्लीज जज साहब, हम पर दया कीजिए। मुझे मालूम है कि 6 महीने का किराया देना बाकी है, मैं कुछ ना कुछ करके ये किराया अदा कर दूंगी सर। आप लैंडलॉर्ड को इतना बता दीजिए कि जूडी एक मजबूर छोकरी है, बस सर मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने नहीं आया हूँ, मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें वाकई कम मुआवजा मिला था, तुम्हें कम से कम 5 लाख मुआवजा मिलना चाहिए ताकि तुम अपने खानदान समेत इज्जत के साथ जी सको, अपनी माँ का इलाज करवा सको, अपने भाइयों और बहनों को अच्छी एजुकेशन दे सको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा शुक्रिया मत अदा करो जूडी, अपने वकील मिस्टर वासुदेव गुजराल का शुक्रिया अदा करो जो मुझे यहाँ लाए। थैंक यू मिस्टर गुजराल। थैंक यू सर। मेरे ख्याल में तो 5 लाख ठीक रहेगा मिस्टर गुजराल। यस सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। वो 2 टके का वकील कौन है जिसने हम पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठुकवा दिया? कोई नया छोकरा है सरकार। तो खरीद क्यों नहीं लिया उसको? तब किसको पता था सरकार कि वो इस केस का गड़ा मुर्दा उखाड़ कर जूडी को 5 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन दिलवाएगा। और सुना है कि वो छोकरा बिकाऊ भी नहीं है। बिकाऊ नहीं है तो खर्च कर दो साले को, एक ससुरी नाचने वाली की टांगों के लिए 5 लाख। मुबारक हो रवि यादव, आज फिर 212 से तुम रवि यादव हो रहे हो, तुम्हें तुम्हारी पहचान वापस मिल रही है। 12 बरस के बाद रवि यादव का नाम सुना है साहब, कुछ दिन तो लगेंगे ये समझने में कि ये नाम मेरा ही है। लेकिन कम से कम दिन लगाना, जल्द से जल्द ये भुलाने की कोशिश करना रवि यादव कि 12 साल तक तुम सिर्फ 212 रहे। अब
तुम्हारा क्या इरादा है? अपने रोहन को खोजना है साहब। आप तो जानते हैं उसके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। आपने भी तो उसका पता लगाने की कितनी कोशिश की थी। हाँ, न तुम्हारी मालकिन का पता लगा और ना ही तुम्हारे भाई का। मगर हैरानी की बात यह है कि इस तरह दो जीते जागते लोग लापता कैसे हो गए? अब तो मैं रवि यादव बन चुका हूँ ना साहब, मैं ढूंढ लूंगा उनको। ओ वासु, यू आर रियली ग्रेट। जूड़ी और उसकी फैमिली को तो तुमने दूसरी जिंदगी दी है, एंड फॉर दैट आई मस्ट थैंक यू। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। अरे भाई, शुक्रिया की गिफ्ट रैपिंग तो की नहीं जा सकती। की जा सकती है? वो कैसे? फोटो पे पेस्ट कर दो। ओ कम ऑन यार, मैं जाता तो तुम जरूर घपला करोगी। पर मैंने वादा क्या किया था? तुमने कहा था मेरा मुंह चूमने को जी चाहता है। मैंने कहा था कि केस दो तो मैं केस दूंगा। अब क्योंकि मैं वो केस जीत चुका हूँ, इसलिए मैं अब किस दूंगा नहीं बल्कि किस लूंगा। अंडरस्टैंड? अरे किस कोई चेंज थोड़ी है कि आदमी जेब में हाथ डाले और निकाल कर दे दे। और मैं क्या पागल हूँ कि किस लेने देने की बात करूंगी? आपने ख्वाब देखा होगा मिस्टर वासुदेव गुजराल, और आप तो अच्छे खासे लॉयर है, सबूत और गवाह की बात हमेशा करते रहते हैं। और आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि मैंने ऐसा वादा किया था? कोई आई विटनेस है? विटनेस तो है योर ऑनर, मगर गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। एक्चुअली चार चार विटनेस है, फोर। और चारों के चारों गूंगे हैं? कौन है वो? मेरे और आपके कान, जिन्होंने ये केस वाली बात सुनी। मैं इन गवाहों को नहीं मानती। है ये धोखेबाज, यू चीट। नहीं सुराही खासा पानी हो मेरे जानी, झूठ पिलाती जा तेरी मेहरबानी।
मुझसे क्यों प्यार किया। तूने मुझ में क्या देख लिया, इतना मुझसे क्यों प्यार किया। बताता हूँ, मालिक ने मुझे माल खिलाया था कि मैं तुम्हें बीच से हटा दूँ। क्यों? उन्हें शक हो गया था कि मालकिन का तुम्हारे साथ टाका भिड़ा हुआ है। मालकिन से? अरे वो तो मेरे लिए देवी समान है। अरे जब आदमी बड़ा हो जाता है ना भैया, तो रास्ते छोटे पड़ जाते हैं। मालिक को शक था, बस बात खत्म। बोल, पूरी बात बोल। बताता, पूरी बात बताता। तू मुझे ब्लैकमेल करेगा नमक हराम? हम तो अंग्रेजी जानते भी नहीं मालिक। आज तू तीसरी बार पैसे मांग रहा है और घुमा फिरा कर उसी हरामजादे की बात निकाल लेता है। अरे रुपया तो हाथ का मैल है मालिक, और आपके पास इस मैल की कोई कमी भी नहीं है। भगवान मालकिन को जिंदा रखे, बस चेक की तरह काटते जाइए आप उन्हें। जरा सोचिए तो, कैसी कैसी खिदमत की है मैंने आपके वास्ते। उस रवि यादव को 12 साल के लिए दूर कर दिया मालकिन से, पहले पारों के साथ बलात्कार करना पड़ा आपके वास्ते, फिर उसका कत्ल करके रवि यादव को कत्ल और बलात्कार में फंसाना पड़ा आपके वास्ते। अरे इतने बड़े काम के लिए 10-20-50 हजार की हैसियत क्या है? इस बार 20 हजार दे दीजिए, फिर नहीं मांगूंगा। याद रख, दीदी चोर का एक सिरा मेरे हाथ में। चिल्लाइए मत मालिक, अगर आप नहीं देंगे तो मालकिन से ले लूंगा। जलील आदमी, तूने उस मासूम लड़की के साथ बलात्कार किया, तूने उसे कत्ल किया और अपना जुर्म उड़ा दिया रवि को। तुम्हें रवि की इतनी फिक्र क्यों है? तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद ही बात करूंगी। तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल और चलकर अपने जुर्मों का इकबाल कर कि उस बलात्कार और कत्ल से रवि यादव का कोई ताल्लुक नहीं था। मगर जो मैं सच बोला तो मालिक भी फंस जाएंगे मालकिन। तू चलता है या मैं चलाऊ गोली? तू चल के सच बोल, सच के लपट में चाहे जो भी आ जाए। तू तो किराए की छुरी है चक्कू, कातिल तो तेरी मालिक ही है, सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। तू चल।
एक्सीडेंट के बाद मालकिन भी बच गई और सुना है हवेली के पुराने नौकर विष्णु के यहाँ रहती है। और मनोहर सिंह? वो अपनी बेटी को लेकर बंबई चला गया पुलिस के डर से। आइए। मालकिन, मालकिन, आपको जिंदा देखकर मैं खुशी से पागल हो रहा हूं। मालकिन, मालकिन याद कीजिए, मैं रवि हूं, रवि यादव। अभी अभी जेल से छूट के आया हूं। मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं। मैं आपके यहाँ नौकरी किया करता था मालकिन। आप मेरे साथ घोड़े पर सवारी करने जाया करती थी और आपको सवारी करते देखकर मेरा छोटा भाई रोहन हंसा करता था। वो छोटा सा रोहन आपकी टुम्पा का दोस्त। टुम्पा कहाँ है मालकिन? मेरा भाई रोहन कहाँ है? कौन टुम्पा, कौन रोहन? मैं किसी रोहन और टुम्पा को नहीं जानती। ऐसा मत कहिए मालकिन, ऐसा मत कहिए। याद कीजिए मालकिन, भगवान के लिए याद कीजिए। आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे जेल से छूट के आ जाने तक आप रोहन का ख्याल रखेंगी। कहाँ है मेरा भाई रोहन? याद कीजिए मालकिन, बताइए ना। हमारे वैजी ने बहुत कोशिश की बेटे, पर इसकी याददाश्त वापस नहीं आई। तुम इसे शहर ले जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। घबराइए नहीं, ये अच्छे हो जाएंगे। हाँ, इन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। आपको इन्हें इनकी याददाश्त की तरफ रुझान करवाना होगा। जैसे इन्हें खाने में क्या अच्छा लगता है, कोई हॉबी, कोई शौक। कुछ दिनों बाद आप इन्हें फिर से मेरे पास लेकर आइए, तब मैं ये तय करूंगा कि इनका ट्रीटमेंट किस एंगल से शुरू किया जाए। और कुछ? जी वो मतलब 200 रुपीज। जी चलिए मालकिन। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। जोसेफ, ये बैग रखना, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। चलो उतरो। मेरा नाम जोसेफ लोबो है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम जैसों को अपना नाम नहीं बताया करता। तुम्हारे लिए मैं 212 हूँ। 212? अच्छा ये बताओ 212, जब तुम मुझ जैसे को अपना नाम नहीं बता सकते तो फिर तुमने मुझे बचाया क्यों? मैं एक नंबर का आदमी हूँ और तुम्हारे पास 2 नंबर का माल है। अच्छा, मतलब तुमने मुझे नहीं इस बैग को बचाया। आदमी तेज भी हो, काम के भी हो, अब तुम मुझे वो कहावत सुनाओगे कि जान है तो जहान है। ये लो अपना
का गंदा बैग अपने पास रखो, अपनी जान बचाने की मजदूरी निकालो 10,000 रुपए। 10,000? मेरी जान की कीमत उसे कहीं ज्यादा है 212। 10,000 निकालो, मुझे देर हो रही है। जानते हो इस बैग में कितना माल है? 80 लाख के हीरे और 10 लाख कैश। अब भी सिर्फ 10,000 लोगे? बहुत बकते हो तुम। 10,000 रुपए निकालो और अपना रास्ता नापो। कमाल के आदमी हो। 4 दिन मेरे साथ काम करो, करोड़पति बना दूंगा। मैं तुम जैसे मैले आदमियों के साथ काम नहीं किया करता। अच्छा मान लो अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो? जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। आई डोंट अंडरस्टैंड यू। कोशिश भी मत करना। ये 212 क्या नाम हुआ? वो तो अपना नाम यही बताता है सर। और हमें नाम से क्या मतलब, हमें तो काम लेना है। और ये आदमी हमारे बहुत काम का है सर। ये भी ठीक है, वो जो मांगे वो दो, लेकिन भर्ती कर। इसी बात पर तो वो तैयार नहीं होता सर। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो यही कह गया कि जब उसे कोई जरूरत होगी तो वो खुद आ जाएगा। उसने तो अपना पता तक नहीं बताया। अजीब आदमी है, 1-2 लाख ले सकता था, बस 10,000 लेके गया। भगवान करे उसे जल्दी ही कोई जरूरत पड़े और वो मिलने आए। वो तो बहुत ही काम का आदमी है। मगर वो मुस्तकिल काम नहीं करेगा रत्ना भाई। तू क्या जाने रत्ना भाई और रत्ना भाई की कशिश को, मैं तो चुंबक हूँ चुंबक। बको मत रत्ना, तुम ढल चुकी हो, गीली बारूद का ढेर हो। उस 212 को मुझ पर छोड़ दो। आओ बच्चों, आओ आओ आओ। ये अरे अरे जल्दी मत, मेरे सबके लिए बात है। ये लो तुम भी लो। हाँ, एक एक सिर्फ एक एक। हाँ, ये लो सबके लिए है। ये लो बस एक एक एक, एक। और मेरा नाम विद्या है, मैं स्कूल की टीचर हूँ। जानता हूँ, मेरा नाम रवि है। आप बच्चों को ये किताबें पेंसिल? जिंदगी में खुद तो लिख पढ़ ना सका, इसलिए जब भी पैसे हाथ लगते हैं इन बच्चों पर खर्च करता हूँ। मन को शांति मिलती है। कहाँ रहते हैं आप? वो सामने वाले मकान में। कुछ दिन हुए इस मोहल्ले में आया हूँ। अगर शाम को स्कूल बंद होने के बाद कुछ देर के लिए आप मेरे घर आए तो बहुत उपकार होगा। जरूर आऊंगी। अरे मालकिन, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, आप सो रही थी इसलिए मैं इसे ढक के चला गया। मैंने ढका हुआ खाना देख लिया था। तो फिर खाया क्यों नहीं? अकेले कैसे खाती, तुमने खाना खा लिया? अरे मालकिन, अब मैं क्या बताऊं इन बस्ती वालों का, नाश्ते पर इतना ठूस दिया कि अब मैं ज्यादा बोलूं तो बात की जगह मुंह से नाश्ता निकलने लगेगा। लीजिए खा लीजिए, आज मैंने आपके लिए कढ़ी बनाई। आपको तो याद होगा कड़ी पर तो रोहन की जान जाती थी, पता नहीं अब भूखा होगा। लीजिए खा लीजिए। अच्छा तुम मेरे लगते कौन हो जो मेरा इतना ख्याल रखते हो? लगता तो मैं आपका कोई भी नहीं हूं, पर इस भरी पूरी दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई है भी नहीं, और आपको मैं याद ही नहीं आ रहा हूं। मैं रवि हूं मालकिन, रवि। याद कीजिए, आप राइडिंग किया करती थी और मैं आपके घोड़े ट्रैक्टर और फार्म हाउस की देखभाल किया करता था। मैं वही वाला रवि हूं, और मेरे साथ मेरा एक छोटा भाई हुआ करता था रोहन, आप उसका बहुत देखभाल किया करती थी और आपने उसका ख्याल रखने का वादा भी किया था। याद कीजिए जब आप मिलने आई थी मुझे। मैं तुम्हें कहाँ मिलने आती थी? चिंता मत कीजिए मां, शीशे की चीजें टूटती रहती है। ये तुम मुझे मालकिन मालकिन क्यों बोलते रहते हो? क्योंकि आप मेरी मालकिन हैं। अच्छा और मैं क्या क्या हूँ, मेरा मतलब और किसी की भी तो मैं कुछ लगती होंगी? क्यों नहीं,
आपका इतना बड़ा घर था कि क्या बताऊं, आप और मालिक दोनों अकेले, टुम्पा तो हॉस्टल में रहा करती थी। ये टुम्पा कौन? नमस्ते। नमस्ते। मैं स्टूडेंट्स की किताबों का शुक्रिया अदा करने आई थी। बैठी ना। और हाँ, ये बिल्कुल वैसी किताब है, बीएटी बैट, सीएटी कैट, आरएटी रैट, जो आप मुझे पढ़ाया करती थी। और ये रैट तो आपने झल्लाकर मुझसे 100 मरतबा लिखवाया था, और आपने कहा था कि रवि यू आर ए रैट, तुम चूहे हो। एक्सक्यूज मी और पार्डन मी, ये भी आप कहा करती थी। आप कहती थी कि रवि किसी की बात काटनी हो तो पहले एक्सक्यूज मी या पार्डन मी कहा करो, बात कोई खास नहीं कि खुरपी उठाई और काट दी। मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे परेशान मत करो। मैं खुद चाहती हूँ कि मुझे सब कुछ याद आ जाए, मगर कुछ याद नहीं आता तो मैं क्या करूँ? ठीक है, आप लेट जाइए, अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। आप बैठिए, मैं चाय बना के लाता हूँ। चाय वह छोड़ी, मैं घर चलती हूँ। बाहर इतनी जोरदार बारिश हो रही है, आप घर कैसे जाएंगे? बारिश का क्या, क्या पता कब रुके। मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक बात पूछो। हाँ हाँ पूछो। आप जिन्हें मालकिन कहते हैं वो कौन है? मेरी मालकिन थी, उनके बड़े से घर में मैं एक छोटा सा नौकर हुआ करता था, और मेरा एक छोटा भाई था। आपके भाई कहाँ है? मालकिन की यादों की किसी गली में। और मालकिन? मालकिन और मेरे बीच 12 बरस का एक सन्नाटा है, ना उनका कोई रहा और ना ही कोई मेरा। मुझे सब कुछ याद है और उन्हें कुछ भी याद नहीं। उनकी यादों के साथ मेरा भाई रोहन भी गुम हो गया है। उनकी यादें मिले तो मेरा भाई रोहन मिल जाए। और ये 12 बरस का सन्नाटा क्यों? मैं जेल में था। जेल? गवाहों का कहना था कि मैंने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसे मार डाला। जज ने मेरी बात नहीं मानी, और मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ना कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह। तुम्हारा जी चाहे तो जज की बात मान लो, और जी चाहे तो मेरी। मैं जज की बात नहीं मानूंगी। चलो, मेरी बेगुनाही को मानने वाले एक से दो हो गए, पहली मालकिन और दूसरी तुम। जिंदा रहने के लिए ये बहुत है। स्माइल, थोड़ा सा और स्माइल करो ना, और थोड़ा सा। तुम मेरी तस्वीर खींच रहे हो या मेरी दांतों की? बात हो गया, चलो चलकर कहीं बैठते हैं। चलो चलो। वासु, तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कैसा सवाल है? बोलो ना। हाँ, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? क्योंकि तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो। क्या? हाँ, अरे जो भी मैं कहूँ उसका एकदम उल्टा समझ लेना, मैं तो किसी दूसरी लड़की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। सच? सच। तुम वहां क्या देख रही हो? वो जो लोग खड़े हैं ना, वो हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की को देख रहे हैं, जो इस साल मिस इंडिया चुनी गई है। क्या कह रही हो? नहीं नहीं, अच्छा मैं भी आया। क्या मजा के पायल? क्यों, अभी अभी तो कह रहे थे कि किसी लड़की की तरफ आंख भी नहीं उठाओगे, और मिस इंडिया का नाम सुनते ही भाग गए। तुम सब लड़के एक ही जैसे हो, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। गुड बाय मिस्टर गुजराल। पायल,
तुम लड़की में यही तो खराबी होती है, जरा जरा सी बात पे रूठ जाती हो। अच्छा बाबा मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, चाहे वो बंदरिया ही क्यों ना हो। क्या हुआ, आंखें क्यों बंद की है? वहाँ एक लड़की पास हो रही थी इसलिए। अच्छा बाबा मान गए, इतना ड्रामा मत करो। अच्छा एक बात बताओ, अगर शादी के बाद मैं किसी वजह से नाराज हो जाओ तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हाँ मैं तुम्हारी हर गुस्ताखी माफ करने के लिए तैयार हूँ। ये क्या बदतमीजी है? बस अभी तो कह रहे थे कि मेरी सारी गुस्ताखियाँ माफ कर दोगे, लेकिन शादी के बाद का बता था, शादी के पहले का नहीं। अच्छा अगर मैंने तुम्हारी कोई कीमती चीज तोड़ दी तो? मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। माफ कर दूंगी? पक्का? ये ये तुमने क्या कर दिया, डैडी ने मुझे प्रेजेंट दिया था। अरे अभी अभी तो तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हारी कोई कीमती चीज तोड़ दूं तो तुम मुझे माफ कर दोगी, और अभी अभी तुम रोने लगी। अच्छा अरे कहाँ जा रही हो? अगर मैं इस बॉटल से बियर पी लूं तो आपको कोई एतराज है? वैसे तो मैं पीती वीती नहीं। नहीं मुझे कोई एतराज नहीं है। एक क्या तो पी जाओ, ऐसे होना चाहिए। तुम कोई गलती करो मैं तुम्हें माफ कर दो, मैं कोई गलती करूँ तुम मुझे माफ कर दो, इसी को तो प्यार कहते हैं। वेरी गुड, पियो पियो पियो, एक घुटन पूरी पी जाओ, पियो। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें मोहब्बत की जगह कुछ नहीं कर सकती। अच्छा तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी? कुछ भी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि पानी में कूद जाओ तो तुम पानी में कूद जाओगी? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। कहाँ हूँ और क्या हुआ? तुम एक डाक बंगले के अंदर हो, और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कहते हुए मुझे शर्म आती है। फिर भी बता तो सही। तुम्हें बियर नहीं पीनी चाहिए थी, तुम बहुत नशे में थी, मैं तुम्हें पानी में से उठा के लेके आया हूँ। तुम कहने लगी कि हमारे बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर तुम अपने कपड़े उतारने लगी, मैंने कहा ये दीवार नहीं ये तुम्हारी ड्रेस है। Shut up, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। फिर क्या हुआ? फिर तुम मेरे कपड़े उतारने लगी। Shut up। सच सच बताओ ना, फिर क्या हुआ? फिर वो हुआ जो शादी के बाद होना चाहिए था, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम किसी मंदिर में जाएं और फौरन शादी कर लें। नहीं वासु, मैं अपनी नजरों से गिर चुकी हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं इस बेशर्मी को नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। पायल 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 मैं तो मजाक कर रहा था, कोई आदमी भला अपने ही घर में चोरी करता है क्या? इतना घटिया मजाक, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अरे बाप रे। किसी हसीन यार की तलाश है, यही तो दिन है प्यार के बाहर के, कि मुझको मेरे प्यार की तलाश है। किसी हसीन यार की तलाश है, यही तो दिन है प्यार के बाहर के, कि मुझको मेरे प्यार की तलाश है। किसी हसीन यार की तलाश है। Hey!
खुदा करे, मेरे दर्द दिल की जो दवा करे, चाहतों का हक वो यूं अदा करे, उम्र भर का साथ दे वफा करे, ऐसा दिल रुबा मिले तो प्यार हो, नजर नजर करार की तलाश है, यही तो दिन है प्यार के बहार के, कि मुझको मेरे प्यार की तलाश है, हसी हसीन यार की तलाश है। जिंदगी को जो मेरी संवार दे, जवा जवा शबाब की बहार दे, यार मेरा ऐसा हो के प्यार दे, जो मैं चाहूँ मुझको बार बार दे, हसीन यार की तलाश है, यही तो दिन है प्यार के बहार के, कि मुझको मेरे प्यार की तलाश है, किसी हसीन यार की तलाश है। बहुत खूब योर ऑनर, मतलब ये कि अपनी प्राइम विटनेस यानी अपनी एकलौती विटनेस को ये लोग लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं तो ये कहूंगा कि ये विटनेस लोकेट हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये बलात्कार हुआ ही नहीं। ये झूठा मुकदमा तो सिर्फ धीरेन्द्र ठाकुर को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, और रही सती सावित्री की बात तो उसका पता तो बहुत से लोगों के पास होगा। आई सबमिट योर ऑनर कि जब तक ये औरत इस अदालत में पेश नहीं की जाती, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि यह बलात्कार हुआ, और मेरी गुजारिश इस मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। मैं सरकार को 10 दिन की मोहलत देता हूँ, अगर अगली तारीख पर उस औरत को अदालत में ना पेश किया गया तो मैं ये मुकदमा डिसमिस कर दूंगा। फैंटास्टिक सर, मुकदमा ऐसे जीता जाता है। वासु, तुम्हारे गर्लफ्रेंड की फोटो तो बहुत अच्छी आई है, लेकिन उसके साथ तुम्हारे कैमरे ने एक कत्ल को भी रिकॉर्ड कर लिया है। क्या मतलब? इस फोटो में एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा है, हैं? और इस फोटो में उसी लाश को गाड़ी में रख रहा है। और ये तो धीरे ठाकुर है। ठीक, मिस्टर गुजराल से। अरे मिस्टर गुजराल से उस दिन कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे। इसका मतलब ये? जी हाँ। अरे वासु, तू यहाँ? आज तो रास्ता कैसे भूल गए? तेरे बगैर घर बड़ा सुना लगता है। दिल में तो रहता हूँ ना। हाँ माँ बैठ, ये ले फोटोग्राफ। मिस्टर गुजराल को देना और उनसे कहना कि धीरेन्द्र ठाकुर जैसे कमीने इंसानों का केस ना लिया करें। क्या बात क्या है? वो जो फोटोग्राफ देखेंगे ना तो खुद समझ आएंगे कि सच्चाई क्या है। झूठ मत बोलिए, ये तस्वीर देखी आपने? अब मेरी बात सुनिए, मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ, मगर ऐसे गंदे केसेस मैं कभी नहीं देता, मगर चूंकि मैं आपका वकील रह चुका हूँ, मैं फीस लिए बिना आपको एक मशवरा दूंगा। आप इकबाल जुर्म कर लीजिए, फॉर अ चेंज सच बोल जाएंगे तो हो सकता है कि फांसी की जगह आपको उम्र कैद हो जाए। मैं आपको 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, तब तक आपने इकबाल जुर्म नहीं किया तो मैं इस तस्वीर का नेगेटिव खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? आज आपने मेरी आंखें खोल दी गुजराल साहब, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मनुष्य कहा जाऊं, जानवरों में मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुझे 24 घंटे की मोहलत मत दीजिए गुजराल साहब, मुझे अभी पुलिस स्टेशन ले चलिए ताकि वहां जाके मैं अपना कन्फेशन कर लूं। हो सकता है 24 घंटे के भीतर मेरे अंदर का राक्षस जाग बैठे और मुझे फिर से बहका दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं गुजराल साहब, मुझे अभी ले चलिए और अपने सामने इकबाल जुर्म करवा दीजिए। पर
आपका यह एहसान मैं जिंदगी में भूलूंगा ना अगले जन्म में। गुजराल साहब प्लीज प्लीज मुझे ले चलिए। ठीक है चलता हूँ। मैं तो उस आदमी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने आपको ये तस्वीरें दी। कौन है वो देवता? वासुदेव। हेलो हेलो मिसेस गुजराल, मैं धीरेन ठाकुर बोल रहा हूँ। आपके पति परमेश्वर इस वक्त मेरे कब्जे में है और मेरे कुछ नेगेटिव आपके चहेते बेटे वासुदेव गुजराल के पास। अगर आप अपने पति की खैरियत चाहती हैं तो वो नेगेटिव अपने बेटे के हाथ मुकेश मित्र भेज दीजिए। समझी? हाँ एक बात और सुनिए, पुलिस को इन्फॉर्म करने की बेवकूफी मत कीजिएगा। हो सकता है कि मुझे जेल हो जाए, हो सकता है कि मुझे फांसी भी हो जाए। मैं आपके हाथ सिर्फ आपके पति की लाश लाएगी। लंदन पेरिस रोम, शादी के बाद मैं तुम्हें इन सब जगहों पर लेके जाऊंगा। और ये होटल देख रही हो? बड़ी जुई है तुम्हारे सर में। मार दो। ये होटल देख रही हो? यहाँ पर हम रहेंगे और ये बिस्तर, यहाँ पर हम हनी मून मनाएंगे। टेलीफोन उठाओ। हटो। चलो उठाओ। हेलो। हेलो वासु। माँ कैसी हो? माँ वासु, मिस्टर गुजराल को उठा लिया गया है और उनकी जान खतरे में है। तुम जल्दी यहाँ जाओ। चलो भाई। मिस्टर गुजराल किडनैप हो गए? हाँ। मगर क्यों? उन लोगों ने मुझे धमकी दी है कि वो तुम्हारे वाले निगेटिव और उसके सारे प्रिंट्स अगर उन्हें नहीं दिए गए तो वो। रोइए मत मामी, किसी को मार डालना खिलवाड़ थोड़ी है। खिलवाड़ है पायल, मगर तू रो मत माँ। मैं मिस्टर गुजराल को बचाकर तेरे पास ले आने का वादा करके जा रहा हूँ। और जब भी बेटा अपनी माँ से वादा करता है तो उसे पूरा करता है या फिर उस वादे को निभाने की कोशिश में मर जाता है। आओ पायल। अगर वासु 5 मिनट के अंदर अंदर नहीं आया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव लायो। ये क्या है? इस कागज से अपना कलम साफ कर। आराम करने के लिए कहा है। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं उसे जिंदगी भर भूल नहीं सकती। ये तो मेरा फर्ज था माँ। अच्छा अब मिस्टर गुजराल ठीक ठाक है? मैं चलता हूँ। तुमसे ये किसने कह दिया कि गुजराल साहब ठीक ठाक है? गुजराल साहब तो मर गए बेटे, तो तुम्हारे डैडी है। आपको ये वर्ड सुनने की आदत नहीं मिस्टर गुजराल, मैं तो आपको डैडी कहने के लिए तरस गया था मगर आप ही ने मुझे कहने नहीं दिया।
मुझे माँ की गोद तो मिल गई मगर आपका साया नहीं मिला और मैं धूप में जीने का आदी हो गया। अब अगर मैं आपको डैडी कहना भी चाहूं तो क्या पता मुझे कहना आएगा भी या नहीं। कह के देखो बेटा। हाँ बेटे, ये समझ लो कि तुम्हारे डैडी कहीं बाहर गए हुए थे, आज वापस आ गए। इस लफ्ज की आवाज सुनने को मेरे कान तरस गए। ठीक है बेटे, ये सेल्फ सेंटर्ड बुढ़ा इसी लायक है। दे दो तुम मुझे सजा, जो चाहे दे दो सजा। डैडी, अब क्यों रोते हो? अभी तक तुम एक अधूरे खानदान के अधूरे बेटे थे, माँ थी मगर बाप नहीं था, आज तो बाप भी मिल गया। नहीं, मैं अब भी अधूरा हूँ, बाप तो मिल गए लेकिन लेकिन भैया अब तक नहीं मिले। मिल जाएंगे बेटे, मिल जाएंगे। जैसे तुम्हें तुम्हारे डैडी मिल गए वैसे तुम्हारे भैया भी मिल जाएंगे और हमारा खानदान पूरा हो जाएगा। रो मत। अच्छा ये बताओ कि ये फूल जैसी लड़की कौन है? ये पायल है। मतलब ये कि क्यों मासू? भाई ये मेरा घायल होना तो बहुत मुबारक, पहले बेटा मिल गया और अब बहू। मैं तो यहाँ से निकलते ही तुम्हारे डैडी के साथ बात करूंगा और बात पक्की करूंगा। चट मंगनी पट ब्याह। अच्छा वासु एक बात बताओ, मेरी ऐसी कौन सी चीज थी जो तुम्हें भा गई और तुम मुझ पर फिदा हो गए? पायल, सच पूछो तो तुम्हें कोई भी अच्छी चीज नहीं, न जाने मैं तुम्हें अपना दिल क्यों दे बैठा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अरे रे रे रे, भड़को नहीं। अब मैं सोचता हूँ तो महसूस करता हूँ कि तुम्हारी काफी चीजें अच्छी। मसलन तुम्हारे लंबे लंबे खूबसूरत बाल, और तुम्हारी ये गोरी गोरी पेशानी, और तुम्हारी झील सी नीली आंखें जिनमें डूब जाने को जी करता है, और तुम्हारी ये दो गुलाबी होंठ। तुमने मेरी नाक के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, और तुम्हारी ये 1.5 फुट लंबी नाक। वासु ऐसी बकवास करोगे तो पिट जाओगे। अच्छा बाबा, तुम्हारी ये सुराईदार गर्दन, और तुम्हारे ये दो बड़े बड़े, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? पायल, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदगी भरी हुई है। मैं तो तुम्हारे इन दो बड़े बड़े हाथों की बात कर रहा था जिनमें तुमने एक कंगा पहना है। तुम क्या समझ रहे हो? सुन मेरे सजना सजना, बोल मेरे सजनी। सुन मेरे सजना सजना, बोल मेरे सजनी। सुन मेरे सजना सुन रे, मेरे हाथ में क्या है कंगना, तो फिर चल मेरे अंगना। सुन मेरे सजना सुन रे, मेरे हाथ में क्या है कंगना, तो फिर चल मेरे अंगना। सुन मेरे सजनी सुन रे, अंगना में क्या है फूटा, तेरे प्यार ने लूटा। सुन मेरी सजना सुन रे, बूटे में क्या है कलियां, तो फिर चल मेरी गलियां। सुन मेरी सजना सुन रे, बूटे में क्या है कलियां, तो फिर चल मेरी गलियां। सजनी सुन री, गलियों में क्या है सखियां, हम मुझ मार नखियां। सुन मेरी सजनी सुन री, गलियों में क्या है सखियां, हम मुझ मार नखियां। तू कब लाएगा झोली? सुन मेरी सजना
फिर बन मेरी लैला, सुन मेरी सजनी सुनरी डोली क्या मांगे छेना, फिर बन मेरी लैला। हिलाने से काम नहीं चलेगा पापा, हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है वासु गुजराल, जिसकी वकालत ने बॉम्बे में धूम मचा रखी है। कोई धूम वूम नहीं मचा रखी सर, आप तो जानते ही होंगे कि पायल की आदत है बड़ा चढ़ा के बात करने की। जी नहीं, मैं हमेशा ठीक बात कहती हूँ। अच्छा पापा, आप ही बताइए, मैं केस की मिसाल देती हूँ। मेरे केस तुम्हारे वासु के बस के नहीं है बेटा। खैर, फिर भी ये इतनी तारीफ कर रही है तो एक आध केस तुम्हें जरूर होगा। थैंक यू सर, मगर मैं यूं गिरे पड़े मिल जाने वाले केस नहीं लेता सर। बहुत तेज हो। वकील कानून की धार होता है सर, और अगर धार ही तेज न हो तो कानून जुर्म की जड़ें कैसे काट पाएगा। ठीक है, कभी तुम्हारी धार भी देख लेंगे। तुम्हारे डैडी अभी तक नहीं आए। मिस्टर सिंह, मुझे गुजराल कहते। हेलो। अब आप गुजराल अंकल से बातें कीजिए पापा, वासु को तो मैं अपना मिनी सूट दिखाने जा रही हूँ। आओ वासु। हाँ हाँ, बड़ों की बातों में बच्चों का क्या काम। क्यों मिस्टर सिंह? I don't know, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम दोनों बात क्या करने वाले हैं। अरे भाई, तुम जाते क्यों नहीं, जाओ ना। आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। क्योंकि आपने मुझे बैठने के लिए कहा ही नहीं। I'm sorry, बैठिए। जी। मुझे ये बच्चे काफी सीरियस लगते हैं, क्यों मिस्टर सिंह? ये जनरेशन तो सीरियस होना जानती नहीं मिस्टर गुजराल। मैं उस सीरियसनेस की बात नहीं कर रहा। तो फिर किस सीरियसनेस की बात कर रहे थे आप? बढ़ा चढ़ा के बात करने की मुझे आदत नहीं है, अदालत में भी मैं कम बोलता हूँ, ऑलवेज टू द पॉइंट। ये मेरा बेटा वासु है ना, ये मुझसे भी बड़ा और अच्छा वकील बनेगा। अखबार वाले तो फिदा हैं इस पे, हर रोज कोई ना कोई राइट अप छपता रहता है। रत्नाबाई रोडवेज का जो कॉम्पेंसेशन केस था ना, वो मेरे बेटे वासु ने ही जीता था। उन हरामियों के हलक से उसने कॉम्पेंसेशन उगलवा ही दिया। तो ये वो वाला वासु गुजराल है? 100%। और एक पॉलिटिकल लीडर की कातिलाना चालों से भी इसने मुझे बचा कर निकाल दिया। खैर छोड़िए बात, वासु मेरा सगा बेटा नहीं है। हुआ ये कि मेरी बीवी की एक सहेली जगदीशपुर में रहा करती थी, ये उनको वहीं दिखा। इसका बड़ा भाई वहां नौकर था, तो एक मर्डर और रेप केस में उसे सजा हुई। ये बेचारा रह गया यतीम, छोटा सा लावारिस। मेरी बीवी को तरस आया, उसने गोद ले लिया। कहने का मतलब ये कि मेरा खून का नहीं है, मगर हमारा ब्लड ग्रुप एक है, और अगर ये मेरा सगा बेटा भी होता तो मैं इससे इतनी ज्यादा मोहब्बत न करता। ब्लड ब्लड तो आप कौन मानता है गुजराल साहब, पेरेंट्स का फर्ज तो ये है कि वो अपने बच्चों की खुशी चाहे। तो फिर पंडितों की जबान में इसका मुहूर्त निकलवा दूं? मेरी तरफ से तो बात पक्की है, लेकिन जरा फैमिली पुरोहित से पूछना पड़ेगा। गिव मी अ कपल ऑफ डेज। श्योर। पंडितों के हुक्म के बगैर तो इस मुल्क में कंप्यूटर भी नहीं चलते, हम आप क्या चलेंगे। अरे गुस्सा थूक भी दो। गुस्सा थूक कैसे दूं? वो हराम ज्यादा मेरी बेटी से शादी करेगा। ये किस पे फूफा कर रहे हो भाई, जरा इन पर अपनी मुस्कान की वर्षा तो करना रत्ना, क्योंकि मैं इनसे ये कहता हूँ कि अनशन लोगों से मिलने क्यों लगे। कौन अनशन लोग? वही दोनों जो अभी अभी यहाँ से गए हैं। अब तुम मेरे दुश्मनों से दोस्ती करोगे तब तो फिर बात नहीं जमेगी। अरे भाई, उन्हीं हरामजादों पर तो अब तक मेरा खून खौल रहा है, उस लौंडे की हिम्मत तो देखो, मेरी बेटी से शादी करेगा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाला वो शख्स मेरी बेटी से शादी करेगा? उस जूडी को भी 5 लाख उसी ने दिलवाए। मैं तो कहता हूँ उन दोनों को गोली मरवा दो, खा खा के मोटे हो रहे हो,
कुछ तो काम करो। दो आदमी नहीं मारे जाते तुम लोगों से? अब अगर हमारे किसी आदमी ने उन्हें मारा तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि वो रिश्ता लेकर आ चुका है। उन्हें मारने के लिए तो कोई ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए जो भरोसे के लायक भी हो और हमसे जिसका कोई ताल्लुक भी साबित न हो सके। वो 212 कैसा रहेगा? तुम्हारा ये तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है रत्ना। ये 212 कौन है? पता नहीं, मगर कमाल का आदमी। She'll be all right in about 3 months, लेकिन इनको दाखिल करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट भी बहुत महंगा होगा। महंगे सस्ते की बात ना कीजिए डॉक्टर, बस इतना बताइए कि ये ठीक तो हो जाएंगी ना। पैसों का बंदोबस्त तो कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा। यू आर वेरी फॉर्चुनेट मिस्टर रवि, मेरा टीचर डॉक्टर आर्नल्ड रॉबर्टसन लंदन से आने ही वाला है, एंड आई टेल यू ही इज अ मैजिशियन। वो मेमोरी का ताला ऐसे खोलता है जैसे कोई एक्सपर्ट भी किसी तिजोरी का ताला भी क्या खोलेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। खर्चा कितना होगा? लेट मी थिंक, 1,00,000 रुपया तो हो जाएगा। 1,00,000? मोर भी हो सकता है, लेकिन मैं 1,00,000 रुपए के भीतर रखने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई। ठीक है, मैं 1,00,000 रुपए का बंदोबस्त करता हूँ। चलिए मालकिन, 1,00,000 तो जरूर चाहिए, मगर किसी का कत्ल करके नहीं। मैं जानता था कि तुम यही कहोगे। ये कत्ल नहीं 212 इंसाफ है। पूरी बात सुन लो, उसके बाद चाहो तो इनकार कर दो। पूरी बात क्या है? अंदर चलो। आओ रत्ना, रत्ना, ओ गॉड, रत्ना क्या कर रही हो? रुक जाओ, एक कदम पे आगे बढ़ाया तो कूद पड़ोगी। माय डियर सिस्टर, ऐसा मत करो। नहीं, मैं तेरी माय डियर सिस्टर नहीं हूँ। अगर तू मेरा भाई होता तो मेरी फूल से बेटी नीलम को गैंग रेप होने देता? मेरी बेटी का रेप और मर्डर करने के बाद अब तू मेरे पास आया है? आके तू देख, मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकती। रत्ना, रत्ना स्टॉप इट, रत्ना नहीं, रत्ना नहीं। ये हमारे नीलम का कातिल नहीं है, ये तो उसका बदला लेगा। क्या तुम उसे मार डालोगे जिसने मेरी बेटी का रेप किया था? अरे मैं तो अपनी बेटी की लाश को पहचान न पाई, सूरत बिगाड़ दी थी कमीनों ने। मेरी बेटी रोज मेरे सपने में आती है और कहती है, मम्मी डार्लिंग, वो बॉस्टन अभी तक जिंदा है, वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा, तो मेरे पास आ जाओ मम्मी। यहाँ पीस है, शांति है। हाँ, मैं आ रही हूँ बेटी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। रत्ना, नहीं रत्ना नहीं। देख लिया, जिस आदमी को मारने के लिए मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे रहा था ना, उसी कमीने ने इसकी बेटी का रेप कर दिया और फिर मार डाला। अगर तुम कत्ल नहीं कर सकते तो ठीक है। कौन है वो जानवर? उसका नाम है वासुदेव गुजराल। वासुदेव गुजराल।
सदैव गुजराल बन के घूम रहा है शहर में, और मैं अपने भाई को ढूंढता फिर रहा हूँ, और मेरे बदन से भी देख तुझे खोज भी रहा था और तुझे को मारने भी आ गया। मुझे माफ कर दे रोहन, मुझे माफ कर दे। अब मैं तो इस शहर में भी नहीं रहूंगा। किसी को यह ना पता चल जाए कि तू सदा याफ्ता रवि का छोटा भाई है। तू वासुदेव गुजराल बन के ही रह मेरे रोहन, तू वासुदेव गुजराल बन के ही रह। दिया किसी ने? वासु, वासु, रुक जा बेटे, इसे और मत मारो। ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा, केस बिगड़ जाएगा। ये मुझे धीरेन ठाकुर का आदमी लग रहा है, वो है बड़ा कन्या। कितनी तैयारी के साथ भेजा है इसे, तुम इसे फौरन पुलिस के हवाले कर दो। तुझे तो मैं कम से कम 10 बरस के लिए जेल भेजूंगा। 2 साल कम क्यों कर दिए वकील साहब? इसे मैंने कहाँ देखा है? प्लीज यशोदा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, ये चेहरा मेरा देखा हुआ है। रेणुका जी, आपका रवि फिर गिरफ्तार हो गया। मेरा रवि? मेरा तो कोई है ही नहीं। वो रवि रेणुका जी, रवि जो आपकी सेवा कर रहा है, उस पर कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम लगा है। क्या आपका रवि किसी का कत्ल कर सकता है? मगर रवि है कौन? अपनी याददाश्त की खिड़कियाँ खोली रेणुका जी, आप गांधारी की तरह बंधी हुई अपनी आंखों पर खोई हुई याददाश्त की पट्टी खोलने की कोशिश तो कीजिए। मैं जा रही हूँ उसकी जमानत करवाने। भगवान के लिए अपनी जिंदगी की उलझी हुई जोड़ का सिरा खोज लीजिए रेणुका जी, ये कई जिंदगियों का सवाल है। ये रवि है कौन? रवि, रवि, मुझे उसकी सूरत कुछ देखे देखे से क्यों लगी? ओह कम ऑन मामा, बंबई इतना बड़ा शहर है, 1000 बार देखा होगा आपने से भीड़ में। मैं वैसे देखने की बात नहीं कर रही हूँ, याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता कि मैंने उसे कहाँ देखा होगा। आप बैठ के याद कीजिए, मैं चला। थैंक गॉड कि आप मिल गए। बात क्या है विद्या? आप मम्मी को बात बताइए, मैं जरा जल्दी में हूँ। प्लीज मिस्टर गुजराल, काम तो आपकी से है। अच्छा, तो फिर आप मेरे साथ चलिए, मुझे रास्ते बताइए। आप जा किधर रहे हैं? मैं जा रहा हूँ वर्ली पुलिस स्टेशन। तो ठीक है, क्योंकि मैं भी आपको वही ले जाने आई थी, एक बेगुनाह आदमी की जमानत करवाने। अच्छा, तो आप खड़ी क्यों हैं? चलिए चलिए ना। बाय माँ। बाय। आइए मिस्टर गुजराल, आइए आइए।
कैसे आप? अरे रेणुका जी, आप यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर गुजराल, ये आपके क्रिमिनल की जमानत देना चाहती है। मैंने बहुत समझाया इन्हें कि वो एक मुजरिम है, सजा याफ्ता। सजा याफ्ता? वही तो मैं कह रहा हूँ साहब, और सजा भी एक महीने या एक दिन की नहीं, 12 साल। सजा काटने का मतलब ये तो नहीं होता इंस्पेक्टर साहब कि आदमी गुनेगार भी था। सजा का क्या, अब 4 झूठे गवाह खड़े कर दीजिए, सजा हो जाएगी। मगर आप जिसे मुजरिम कह रहे हैं उसे जानते नहीं। जिस जज ने उसे 12 साल की सजा दी वो भी उसे नहीं जानता था। वो तब भी निर्दोष था जब उसे 12 साल की सजा हुई थी, और वो अब भी निर्दोष है। लीजिए, आपका निर्दोष आ गया। मालकिन आप, तुम बिल्कुल ना घबराना। एक बार मेरे होते हुए तुम्हारे साथ अन्याय हो गया और मैं कुछ ना कर सकी, मगर मैं दोबारा तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। मालकिन, ऐसा लगता है भगवान की दया से आप ठीक हो गई। हाँ, भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए ठीक किया है। जो मैं ना ठीक होती तो तुम्हें उस अमानत का पता कौन बताता जो मेरे पास थी। अब तो आप ठीक हो गई ना मालकिन? हाँ। आराम से पूछ लूंगा जल्दी क्या है। हाँ। और मैं अमानत की कसम खा के कहता हूँ कि आज तक मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आपने मेरी अमानत का ख्याल नहीं रखा होगा। जब आपको कुछ याद भी नहीं था तब भी मैं ये जानता था कि आपने मेरी चीज किसी अच्छी जगह रखी हो। पर बस बस, अब आप कुछ मत बोलिए मालकिन। अगर मैं कुछ ना बोलूंगी तो ये लोग मान कैसे लेंगे कि तुम निर्दोष हो? अच्छा तुम ही बताओ, अपने छोटे भाई से प्यार करना क्या अपराध है? नहीं ना, मगर इसने तो उसी अपराध की सजा भुगती है। और अब तुम उसे फिर से जेल भिजवाना चाहते हो? मालकिन, यह अपराध मैंने किया है। मैंने इन पर हमला किया था, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन तुम मुझे जानते भी नहीं, ना मेरी तुम्हारी दोस्ती ना दुश्मनी, फिर तुमने मुझ पर कातिलाना हमला क्यों किया? ये सब छोड़ो भैया, मैंने तुम पर हमला किया था, तुम ऐसा करो मुझे जेल नहीं फांसी पर चढ़वा दो। अरे कैसे फांसी पर चढ़ा देंगे? अरे भाई तुम लोग इधर उधर की बात मत करो। मुझे लगता है तुम अपने उस भाई के बारे में जानना ही नहीं चाहते हो जो भाई। हाँ तुम ही बताओ, मैं कैसे चुप रहूंगी? इसके भाई का पता मेरे से बाहर कोई जानता ही नहीं। अगर तुम्हें सुनना नहीं है तो मत सुनो, मगर मैं बताने जा रही हूँ। तुम चुप रहो। तुम्हें मेरी सहेली मिसेज यशोदा गुजराल तो याद है ना? यशोदा गुजराल, मैंने रोहन को उन्हीं के हवाले कर दिया था। बेटा बनाकर पाला होगा उसको मेरी यशोदा ने। अब तो वो इतना बड़ा हो गया होगा कि अगर वो हमारे सामने बैठा हो तभी ना उसे तुम पहचान पाओगे ना ही मैं। मुझे पूरा यकीन है यशोदा ने उसे जरूर वकील बनाया होगा, क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि तुम रोहन को वकील बनाना चाहते हो। मिस्टर रोहन यादव, एडवोकेट। मगर मैंने उस बाल गोपाल का नाम वासुदेव गुजराल रखा है रेणुका। मामा तो मैं हूँ बेटे, मगर ये जो आदमी जिसे तुम पुलिस रिमांड में दिलवाने आए हो मेरे भैया है। तुम रोहन हो? अरे मेरे पैर नहीं, पांव छू रवि के, जिन पैर पर जल की 12 वर्ष की धूल है। नहीं 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 नहीं, ये दोनों देवियां झूठ बोल रही हैं। मैं वो रवि यादव नहीं हूँ। मैं रवि यादव होता तो क्या आपने छोटे भाई की हत्या करने की सुपारी लेता? झूठ मत बोलिए भैया, जरा सोचिए, जिन हाथों को आप चुमा करते थे वही हाथ आप पर उठे, इन हाथों को तो मैं काट कर फेंक दूंगा। तू कौन होता है? तू कौन होता है मेरे रोहन के हाथ काटने वाला? ए वासुदेव गुजरा, तू क्या समझता है कि मेरे रोहन के हाथ लावारिस है? तो भैया इन हाथों को अपने चरण छूने की इजाजत दीजिए। भाई गले मिलते हैं। रो मत रोहन, रो मत। आप भी तो रो रहे हैं भैया। अरे हम तो शर्म के मारे रो रहे हैं। जिस भाई के वास्ते हम जिंदा थे उसी को मारने के वास्ते हमने ये हाथ बेच दिए, मगर तब हमें ये पता नहीं था कि तुम हो मुन्ना। मालकिन का अच्छा होना जरूरी था, क्योंकि मेरे भाई का पता सिर्फ मालकिन को मालूम था, और मालकिन की याददाश्त के दरवाजे सब बंद थे। उन दरवाजों के खुले बगैर मेरे भाई का पता मुझे नहीं मिल सकता था। ऐसे में एक काम हाथ आया कि वासुदेव गुजराल को मार डालो और 1,00,000 रुपया ले जाओ अपनी मालकिन के इलाज के लिए। तो मैं क्या करता?
हम समझते हैं भैया। तुम कुछ नहीं समझते। जरा सोचो रोहन, अगर कल हमने तुम्हें पहचान न लिया होता तो कैसा अनर्थ हो जाता। तुम्हें मार डालते, 1,00,000 रुपया ले आते और मालकिन का इलाज करवाते, और मालकिन कहती, बदनसीब, जिसे मार कर तू मेरा इलाज करवा रहा है वही तो तेरा छोटा भाई था। लेकिन भैया, जब आपने मुझे पहचान लिया था तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताता कि तू वासुदेव गुजराल नहीं, रोहन यादव है, रवि यादव का भाई, जो अभी अभी 12 साल की सजा काटकर जेल से छूटा है, तो तेरी क्या रह जाती मुन्ना? इसका मतलब अगर मालकिन न बताती तो आप मेरी जिंदगी से यूं ही चुपचाप चले जाते। आपको पता है मैंने आपको ढूंढने की कितनी कोशिश की है, लेकिन सरकारी फाइलों की भीड़ में आपका कहीं पता न चला। मेरा पता न चला होता तो अच्छा ही हुआ होता मुन्ना। अब सारी दुनिया तुझे सजा याफ्ता रवि यादव का भाई कहेगी। भैया, आप तो सजा काट कर देवता बन गए, लेकिन मुझे छोटा भाई बनकर आदमी तो बन जाने दीजिए। इतना परफेक्ट गेम भगवान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता। सब बिछड़े हुए मिल गए और मेरे भी कहाँ? पुलिस स्टेशन में। सब कहाँ मिले वकील साहब? वासु की पायल तो मिली नहीं। वो भी मिल जाएगी, बस आती ही होगी, मगर वो लाखों करोड़ों में एक है। उसे गिनती में मत आंकिए। He has a point, Mrs. Gujral. वो लाखों करोड़ों से कहीं आगे है। जहाँ गिनती की सीमा खत्म होती है वहाँ पायल की सीमा शुरू होती है। Hi everybody. रवि, तुम खुद देख लो, पायल बेटी, इनके पाउंड छुओ। हाय मेरे भैया हैं। जीती रहो और सुखी रहो पायल, मगर मेरे पाँव छूने से पहले तुम्हें मालकिन के पाँव छूना चाहिए। इसमें एक अमेंडमेंट है, तुम इनके पाँव तो जरूर छुओ मगर मालकिन मान के नहीं, माँ मान कर। हाँ बेटी, ये जो मेरी रेणुका है ना, वो रवि के मालकिन तो जरूर है मगर तेरी माँ है बेटी। मेरी माँ? भाई, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। जिस दिन मैं तुम्हारी और पायल की शादी की बात करने मनोहर सिंह के यहाँ गया था, मैंने आके यशोदा को बताया तो मनोहर सिंह का नाम सुनते ही यशोदा के दिमाग में तो घंटियां बजने लगी। घपला सिर्फ ये था कि ये समझती थी कि रेणुका मर चुकी। थैंक्स टू वर्ली पुलिस स्टेशन ये बात भी साफ हो गई। भाई, जो जिंदा है वो तो जिंदा ही है ना। मालिक ने तो मालकिन को मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उनके ख्याल में तो मालकिन मर ही चुकी थी, मगर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और जाको मारे साइया उसे बचा सके ना कोई। मैं उसे नहीं, ये मेरी और दादी की लड़ाई है। मैं सारी जिंदगी झूठ की छाव में जीती रहूं कि मेरी मम्मी मर चुकी है। दादी मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलते आए, अब मैं उनसे सच बुलवाऊंगी, कड़वा सच। आप उस लड़के को इतना आसान समझने की भूल ना कीजिए सिंह साहब, वो आपके हलक में कांटा बनके अटक भी सकता है। अरे छोड़िए श्रीमान, मेरा हलक इतना पॉलिटिकल नहीं, कांटों का इलाज मैं भी जानता हूँ। आओ बेटी आओ, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था, कहाँ चली गई थी तुम? एक्सक्यूज मी अंकल, मगर पहले मुझे पापा से ये पूछ लेने दीजिए कि मेरी मम्मी कहाँ चली गई। तुम्हारी मम्मी? उनकी तो परसों पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी बेटे। मगर तुम्हें आज इस तरह एक-एक उनका ख्याल क्यों आ गया बेटी? क्योंकि मैं अभी अभी से मिलकर सीधी यहाँ चली आ रही हूँ अंकल। पता नहीं तुम्हें किसी ने किससे मिला दिया, तुम्हारी मम्मी कब तक झूठ बोलेगा पापा? आपने उन्हें मारना चाहा, ये सच है, मगर वो बच गई, ये भी सच है। किसी ने यकीनन तुम्हारे कान भरे। एक्टिंग मत कीजिए पापा, मैं इस ड्रामे के हर कैरेक्टर से मिल चुकी हूँ। आपने एक बेगुनाह आदमी की जिंदगी बर्बाद कर दी और वो बेगुनाह आदमी 12 वर्ष जेल में सड़ाया गया। कौन बेगुनाह आदमी? रवि यादव। इन्होंने उस फरिश्ते पर रेप और मर्डर का केस चलवाया अंकल। शेम ऑन यू पापा, और आपकी इस चाल ने बेचारे रोहन की जिंदगी की जड़ें उखाड़कर एक तरफ फेंक दी। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे मिसेज गुजराल के प्यार की जमीन मिल गई और उसकी जिंदगी ने फिर जड़ पकड़ ली।
आप मेरी मम्मी, रवि भैया और रोहन का कर्ज कैसे उतारेंगे पापा? कैसे उतारेंगे? आप इंसान नहीं है। अगर आप रवि भैया रोहन की जिंदगी तबाह कर सकते हैं, अगर आप मेरी मम्मी को कत्ल करने की साजिश कर सकते हैं, तो अगर आपकी बेटी आपके राह में आए तो आप उसे भी हटा देंगे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मनोहर सिंह? अगर तुमने ये सब कुछ किया है तो बहुत ही बुरा किया है, और उसकी सजा ये है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने तुम्हारे ही बारे में ये कड़वे सच बोले और तुम उसे चुपचाप सुनो। बोलिए पापा। देखो बेटी, तुम लीपा पोती मत करो मनोहर सिंह। अगर तुम्हारे अंदर का आदमी जिंदा है तो इन पापों का प्रायश्चित करो। फोन उठाकर वासु का नंबर लगाओ और उसी से अपना कन्फेशन लिखाओ। तुम फोन करके वासु को बुलाओ बेटी। क्या पापा कन्फेस करेंगे अंकल? करेंगे कैसे नहीं, कहते क्यों नहीं पायल से कि फोन करके वासु को बुलाए। बुला लो बेटी। हेलो, कौन? वासु, तुम फौरन यहाँ आ जाओ, पापा तुमसे अपना कन्फेशन लिखवाना चाहते हैं। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? पापा पापा दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। आओ वासुदेव आओ। यहाँ कोई अर्जुन तो है नहीं वासुदेव, फिर तुम गीता का उपदेश किसे दोगे? फिर भी तुम्हारा स्वागत है। मिस्टर सिंह, पायल कहाँ है? लगता है तहजीब और तमीज तो दुनिया से उठ गई है। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले रवि यादव का भाई मुझसे सवाल कर रहा है, वो भी मालिक कहकर नहीं मिस्टर सिंह कहकर, और मेरी बेटी से शादी भी करना चाहता है। कुत्ते और हिरनी की शादी नहीं हो सकती। और तुम सिर्फ कुत्ते ही नहीं हो, पागल कुत्ते हो। इसलिए इससे पहले कि मुझे या किसी और को काटो, तुम्हें मार डालना हर नागरिक का कर्तव्य है। की हवा निकल गई, लेकिन मैं सिर्फ तेरी जान लेना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि तू तड़प तड़प कर मरे। गुजरने वाला हर पल तुझसे कहे कि यमदूत तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। एक कलंदर से सुनी हुई कविता याद आ गई। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। मैं तो चाहता हूं कि तुम पल पल करके मरो, जैसे गागर से बूंद बूंद पानी टपकता है और फिर गागर खाली हो जाती है। हाँ तो बताओ सिंह साहब, तुम्हें पहली गोली कहां मारे? टखना ठीक रहेगा। आप भी आ गए? नहीं आप नहीं, तुम भी आ गए? नहीं तुम भी नहीं, तू भी आ गया? तुम्हें मारने के लिए मुझे तो आना ही था। तुम पर बहुत सारे कर्ज हैं मनोहर सिंह। तुमने मेरी मालकिन को कत्ल करवाने की कोशिश की, तुम्हारी वजह से ये दर बदर हुई और एक शून्य में जीती रही। तुम्हारी वजह से मैंने 12 साल की जेल काटी, और तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई के कत्ल की सुपारी ली। तुम्हारे पास जिंदगी भी एक है और मौत भी एक है, कैसे उतारोगे इतने सारे कर्ज? देखो तुम्हारे सारे कर्ज खुआ खड़े हैं। जिंदगी में पहली बार बगैर कोई फीस लिए मैं तुम्हें कुछ लीगल एडवाइस दे रहा हूं, जी चाहे तुम मान लेना। तुमने कभी ना कभी हम सबको घायल किया है, हमें नहीं तो उन्हें जिन्हें हम चाहते हैं, इसलिए तुम हम सबके मुजरिम हो मिस्टर सिंह। नाउ गिव द लॉ अ चांस, कानून को मौका दो एंड सरेंडर। सरेंडर? मैं
तुम तो बड़े बेवकूफ निकले मिस्टर गुजराल। लगता है कि दुप्पल में वकालत चलाई है। मैं अकेला दिखाई दे रहा हूँ तो तुमने मान भी लिया कि मैं अकेला हूँ। मेरे पास सिर्फ ये दो ही हाथ नहीं है मिस्टर गुजराल, मेरे पास सैकड़ों हाथ है। मैं खुद कानून और ये तुम सबकी सजाए मौत की घड़ी है। रेनू का मालकिन को मैं बचाऊंगा मनोहर सिंह। कौन बचाएगा? हाँ नहीं मालकिन, नहीं, गोली मत चलाई है। इसकी सिफारिश मत करो तुम, ये घायल सांप है, पलट कर हमला करेगा, इसका मर जाना ही ठीक है। मालकिन ये तो आपके पति हैं। तभी तो मैं इसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ।
इसकी विधवा कहलाने से भी मेरा अपमान ही होगा, मगर वो अपमान इसकी पत्नी कहलाने से बहुत छोटा होगा। जरा सोचो तो, ये वो है जिसने अग्नि को साक्षी मानकर मेरे मान सम्मान और मेरे जीवन की रक्षा करने की शपथ ली थी। मगर वो तो सब ठीक है मालकिन, लेकिन आप तो नारी हैं और नारी पृथ्वी होती है मालकिन, जीवन के अंकुर की रक्षा करने वाली, जीवन के अंकुर को पालने वाली, जनाने वाली। अगर नारी जीवन की रक्षा करना छोड़ दे मालकिन, तो मानव जाति का कोई भी भविष्य नहीं रह जाएगा। इस आदमी को जिंदा रहने दीजिए मालकिन, इसका दंड यही होगा कि ये जिए जीवन का पल पल मौत से भी ज्यादा जहरीला हो, ज्यादा कड़वा हो। ये तो मिलन की घड़ी है मालकिन, इस क्षण के माथे पर इसके मैले खून का तिलक मत लगाइए, मत लगाइए मालकिन। रवि हाथ कड़ी लगाओ, चलो। रवि मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ। नहीं नहीं वकील साहब, मेरा डॉक्टर मेरे पास है, रोहन मेरा डॉक्टर है और पायल मेरी दवा। तुम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हो विद्या। गुजराल साहब के पास यशोदा मैया है, मालकिन के पास उनकी यादें, लेकिन तुम अकेली रह गई हो। जिंदगी की उलझन में मैं तुम्हें यह बता ही नहीं पाया कि मेरी आत्मा सिंदूर लिए तुम्हारी मांग ढूंढ रही है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी मांग भरने के लिए मैं फिर जन्म लूंगा। मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। रोहन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं, तू तो मेरी जान है। मैं रोज सूरज के साथ ये देखने के लिए आऊंगा कि तू कैसा है। मैं चांद के साथ रोज तेरे कमरे में झांकने के लिए आऊंगा कि तू ठीक से सोया है या नहीं। मैं तो सिर्फ दादा का शुक्रिया अदा करने जा रहा हूं, मैं फिर लौट के आऊंगा। पायल की गोद में मालकिन का दुलार पाने के लिए, यशोदा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए। रो मत रोहन, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगता है। मैंने भगवान के तो कभी दर्शन नहीं किए भैया, लेकिन अगर उन्हें कहीं देख लिया तो फौरन पहचान जाऊंगा, क्योंकि वो आप ही जैसे होंगे। भगवान को तो मैंने भी आज तक नहीं देखा, अब शायद आंखें बंद करूं तो दर्शन हो जाए। भैया